वैष्णो बंदा वृंदावन वासी आप कहाँ पर जी वार करुणा वैवार करुणा कर वैष्णव गोसाई पतित पावन तुम बिन के हराई सहले पश्चाते पवन दसने पवित्र तुम गुण गंगरा सहले पश्चाते पवन Yeah.
प्रभु नितान बंद कर दिएगा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद चैतन्य प्रभु नितानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण নিতাই মোর জীবন্দন নিতাই মোর জাতি নিতাই বিহানে মোর আর নাহি গতি নিতাই মোর জীবন্দন সংসার সুখের মুখে তুল দিব ছাই নগরে মাগিয়া খাব গাইয়া নিতাই সংসার সুখের মুখে নিতাই মোর জীবন্দন নিতাই মোর জাতি নিতাই বিহানে মোর আর নাই আওয়াজ ঠিক আসছে না এই তো বলছি সেই তো ও যে দেশে নিতাই নাই সে দেশে না যাব নিতাই বিমুখ জানার মুখ না হেরিব নিতাই মোর জীবন্দন নিতাই মোর জাতি নিতাই না বজিয়া দুঃখ বে মারে
নিতাই মোর জীবন্দন নিতাই মোর জাতি নিতাই জ্ঞানে মোর আর নাই গতি নিতাই মোর कीर्तन निकाल के देना हरीश कुमार महाप्रभु जी वाले कीर्तन देना निकाल के हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा कौन सा दिखाओ कोई भी दे दो आप बोलो चल हो गौरांगो तुम्हें मोरे दया ना छाड़ी हौरा गौरांगो तुम्हें मोरे दया ना छाड़ी
आपना कारिया रंगा आपना का चराने राखी वृंदावन दास ठाकुर जी का नाम सुना आप लोगों ने है? कितने लोगों ने सुना है? कौन है वो है? अरे जोर से बोलो है? वो साक्षात वेद व्यास जी हैं। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, क्या नाम है उसका? चैतन्य भागवत में क्या लिखा है? नित्यानंद प्रभु की महिमा। और
महाप्रभु जी की लीला, उस ग्रंथ में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, उसको सुनिए ध्यान से, इसको ठीक करो। उन्होंने कहा है, पशु पक्षी कीट आदि, सुनो ध्यान से, वो बतला रहे हैं बड़ी अच्छी बात। कहते पशु पक्षी कीट आदि बोली तेना पारे, सुनी ले ही हरि नाम तारा सब तरे, जपिले से हरि नाम आपनी से तरे, उच्च संकीर्तने परोपकार करे, अतः एव उच्च करी कीर्तन करी ले, शत गुणा फल होए सर्व शास्त्रे बोले। समझ में आई बात? वो कहते हैं पशु पक्षी कीट सब सारे ला रहे हैं, समझ में आई? क्या क्या समझ में आया भैया? जो समझ में नहीं आया पूछना चाहिए, समझ में नहीं आया है? वो कह रहे हैं पशु पक्षी कीट आदि बोली तेना पारे, पशु पक्षी कीट जो है वो बोल नहीं सकते हैं, उनको ऐसी योग्यता नहीं दी भगवान ने कि वो बोल सके। जपिले पशु पक्षी कीट आदि बोली तेना पारे, सुनी ले हरि नाम तारा सब तरे, तो पशु पक्षी कीट पतंगों का उद्धार कैसे होगा? हम तो बोल सकते हैं ना, भगवान का नाम बोल सकते हैं ना, तो हमारा उद्धार हो जाएगा, किंतु पशु पक्षियों का कैसे होगा? वो तो बोल नहीं सकते, सुनने से होगा, किंतु सुनेंगे कैसे? जब कोई दूसरा बोलेगा है? वो दूसरा कौन होगा? वो हम होंगे। इसलिए उन्होंने बड़ी काम की बात बतलाई। वो कहते हैं जपिले से हरिनाम आपनी से तरे, जो हरिनाम का जप करते हैं ना वो तो तर जाएंगे, किंतु उच्च संकीर्तने परोपकार करे, जो लोग उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं वो परोपकार भी करते हैं, अपना तो कल्याण करते हैं साथ ही साथ क्या होता है परोपकार भी करते हैं, तो जो परोपकार करते हैं ना उनको क्या फल मिलेगा? कहते अतः उच्च करी कीर्तन करी ले, शत गुणा फल होए सर्व शास्त्र बोले। तो जो लोग हाथ से ताली बजाकर जोर जोर से कीर्तन करते हैं उनको 100 गुना अधिक फल मिलेगा। चाहिए कि नहीं चाहिए 100 गुना अधिक फल? 100 गुना फल जरूर चाहिए सबको, 100 गुना फल सबको चाहिए। किंतु ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं वेदव्यास जी, साक्षात जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में कौन होकर आए, साक्षात वृंदावन दास ठाकुर जी, उनकी बात इसलिए बड़ी प्रमाणिक है। तो हम 2-4 बार भी यदि हरिनाम बोलेंगे उच्च स्वर से तो क्या होगा, हमको 100 गुना अधिक फल मिलेगा। इसलिए शास्त्र में कहा गया जब तो हरिनामाने स्थाने शत गुणा फलाधिका, जो लोग जप करते ना धीरे 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 हरे कृष्ण, उनको तो 16 माला करेंगे तो 16 माला का फल मिलेगा, किंतु जो उच्च स्वर से करेंगे उनको 100 गुना अधिक फल मिलेगा। और कलयुग में, और एक अच्छी बात सुन लो, कलयुग में श्रीमद् भागवत में बतलाया गया, ये कलयुग है और कलयुग के उपास्य कौन है? सचिनंदन गौर हरि। उनकी उपासना कैसे होती है? श्रीमद् भागवत में बतलाया गया, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रार्यर यजंती ही सुमेधसा। सुमेधसा माने जो सुंदर बुद्धि वाले हैं, जिनकी बुद्धि बड़ी सुंदर है, जिनकी बुद्धि बड़ी उन्नत है, वो कलयुग में सचिनंदन गौर हरि की आराधना कैसे करते हैं, उपासना कैसे करते हैं? संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। संकीर्तन का अर्थ क्या है? बहुर भी मिलित्वा कीर्तनम तदेव संकीर्तनम। जीव गोस्वामी जी का नाम सुना? 6 गोस्वामियों में से एक है जीव गोस्वामी जी। उन्होंने बतलाया बहुर भी मिलित्वा कीर्तनम तदेव संकीर्तनम, जब बहुत सारे लोग बैठकर हाथ में ताली बजाकर जोर जोर से कीर्तन करते हैं ना उसको कहते हैं संकीर्तन। तो कलयुग में जो सुंदर बुद्धि वाले लोग हैं, जिनकी बुद्धि बड़ी उन्नत है, जो बुद्धिमान है, वो कैसे महाप्रभु की आराधना करेंगे? तो अभी पता चल जाएगा किन किन की बुद्धि उन्नत है, हैं? मूर्ख प्रमाणित नहीं करना हम लोगों को अपने आप को। तो हाथ ताली बजाकर जोर से सचिनंदन गौर हरि का हम लोग कीर्तन करेंगे। ये जो नवदीप परिक्रमा चल रही है ना, हमारे गुरु महाराज जी कहते थे इस समय में सभी गुरुवर्ग, महाप्रभु के सभी पार्षद, स्वयं महाप्रभु वो बड़े ही हृदय से वो हम बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए बस प्रस्तुत हैं, अपने हृदय को उघाड़ रहे हैं, हमको केवल कितना क्या करना है, हाथ ताली देकर सचिनंदन गौर हरि का नाम कीर्तन करना है, गौर महाप्रभु का नाम कीर्तन करना। और इससे ही क्या होगा, हमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा बड़े सहज रूप में। इसलिए भगवान बड़े दयालु, उन्होंने क्या किया, कलयुग में अपनी जो उपासना करने की जो विधि है ना उसको इतना सरल कर दिया, खाईते सुईते जथा तथा नाम लय देश काल नियम नाई सर्व सिद्धि होए। खाते हुए, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, किसी प्रकार से भी भगवान का नाम ले लो, कहते सर्व सिद्धि होए। कोई नियम नहीं रखा, कोई
पवित्र स्थान पर करना अपवित्र स्थान पर करना ऐसा कोई नियम नहीं रखा। वो कहते खाईते सुईते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि हो, है ना। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरणे न काला एतादशी तव कृपा भगवान ममापी दुर्दैवमी दृश्मिहा जनी नानुरागा। महाप्रभु स्वयं अपने मुख से कह रहे, देखो हमने अपने नाम में नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति, अपने नाम में ही अपने हमने सारी शक्ति भर दी और उस नाम को लेने के लिए भी कोई नियम नहीं रखा। नियम रखा? कोई नियम नहीं रखा। भगवान इतने दयालु हैं, बस एक ही नियम है, क्या करो हाथ ताली बजा करके कीर्तन करते रहो। जैसे भी उठते बैठते जिस अवस्था में भी हो हाथ ताली बजा कर कीर्तन करते रहो, महाप्रभु इसी से प्रसन्न हो जाएंगे और हमको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। इससे सरल उपाय कोई हो सकता है? है ना, तो फिर करेंगे कि नहीं करेंगे? सरल उपाय का सभी लोग हाथ ताली देकर, ऐसा लगे कि जब श्रीवास आंगन में जोर जोर से कीर्तन होता था ना, वहां पर बड़ा सुंदर एक और बात आई। वो क्या कहते हैं, ब्रह्मांड भेदी लो ध्वनि पूरी आकाश चौधी गेर अमंगल जाए सब नाश। इतना जोर से कीर्तन हुआ, कहते ब्रह्मांड भेदिया ध्वनि पूरी आकाश, ब्रह्मांड को फोड़ के वो कीर्तन की ध्वनि कहाँ चली गई, पहुंचा नहीं आकाश तक। कैसे पहुंचेगी? जब जोर से करेंगे तब पहुंचेगी ना। और कहते चौधी गेर अमंगल जाए सब नाश, जहां तक वो ध्वनि गई वहां तक का सारा अमंगल दूर चला गया, नाश हो गया उस अमंगल का, है ना। तो हमारे हृदय का मंगल हो, वातावरण का मंगल हो, हमारे अनर्थों अपराधों सब नाश हो जाएंगे यदि हम केवल क्या करें, उच्च स्वर से कीर्तन करें, है ना। इसका इतना फल, इतना फल है, शास्त्रों में इसकी इतनी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है, उसको अभी हम लोग श्रवण करेंगे, ठीक है। तो एक एक व्यक्ति हाथ ताली देकर क्या करेंगे, हम पहले बोलेंगे, आप हमारे पीछे पीछे बोलेंगे, समझ गए? करोगे तो साथ में, जय सचिनंदन गौर हरि की, नित्यानंद प्रभु की, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल। Oh,
अपनी आवाज सुनाई पड़ती है, आपकी तो सुनाई नहीं पड़ती। तुम्हारा जो लगा था समझ में नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु जी कौन है आप लोग जानते हैं? नित्यानंद प्रभु कौन है बतलाओ? इधर सुनो ध्यान से, बातें एक क्षण में बातें शुरू कर देते, इधर सुनो ध्यान से, नित्यानंद प्रभु जी कौन है? साक्षात बलदेव प्रभु। ये जो नित्यानंद प्रभु जी है ना, यदि ये कृपा नहीं करें तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमको प्राप्त नहीं हो सकती। ये नित्यानंद प्रभु जी स्वयं धाम स्वरूप हैं, हैं? ये नित्यानंद प्रभु जी महाप्रभु जी की सब प्रकार से सेवा करते हैं। वही नित्यानंद प्रभु जी नवदीप के घर घर में घूम रहे हैं, और घर घर में घूमते हुए क्या कहते हैं, तुम ही हमारे किनिया लहो बोलो गौर हरि। भैया एक बार गौर हरि बोल दो, बस एक बार, और मुझको खरीद लो। आप खरीदना चाहते हो नित्यानंद प्रभु जी को? हैं? नित्यानंद प्रभु जी को खरीदना चाहते हो कि नहीं? वो कह रहे एक बार गौर हरि बोल दो, और यदि किसी ने एक बार गौर हरि कह दिया तो कहते ऐतो बोले नित्यानंद घूमे गड़ी जाए, सोनार पर्वत जैनो धूला ते लोटा। इतने प्रसन्न हो जाते हैं, क्यों? नित्यानंद प्रभु जी ना वो साक्षात गुरु तत्व भी हैं, वो समझ जाते हैं अरे इसने एक बार गौर हरि कह दिया अब इसका कल्याण हो जाएगा, तो मेरा काम कुछ कम हो जाएगा। नित्यानंद प्रभु जी का ही काम है सारा हमारा उद्धार करने का भैया। तो नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं, तुम ही हमारे किनिया लहो बोलो गौर हरि, बस एक बार गौर हरि कह दो। तो हम तो इतनी जोर जोर से ताली पीट रहे हैं, माथा पीट रहे हैं, गौर हरि कह रहे हैं, पांच दिन हो गए, तो हमको महाप्रभु नहीं मिलेंगे? मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और यदि नहीं मिलेंगे ना तो हम लेकर जाएंगे महाप्रभु को, लेकर जाएंगे कि नहीं? हमारे गुरु महाराज जी कहते थे यदि राजा सगर के पुत्रों को गंगा जी के स्पर्श से वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है, जो कि महिमा भी नहीं जानते थे गंगा जी की, तो हम लोग जो गुरु जी के अनुगत्य में धाम की परिक्रमा कर रहे हैं, इतनी गर्मी में पैर में छाले भी पड़ रहे हैं, कहीं पानी मिल रहा है, कल प्रसाद कम पड़ गया था ना एकादशी के दिन, है ना? पड़ा कि नहीं पड़ा? कम पड़ा, यही सुनना चाह रहे हैं। बहुत सुंदर, आप जैसे भक्त हो ना तो सबका कल्याण हो जाएगा। तो नित्यानंद प्रभु जी क्या कह रहे हैं, कहते एक बार गौर हरि कह दो बस एक बार, और मुझको खरीद लो। इतना सरल कर दिया उन्होंने, इतना सरल। तो हमारे गुरु महाराज जी कहते थे हम जो गुरु वैष्णव के अनुगत्य में धाम की परिक्रमा कर रहे हैं, क्या चैतन्य महाप्रभु हमारे ऊपर कृपा किए बिना रहेंगे? नहीं रहेंगे। कहते चैतन्य महाप्रभु बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु, वो साक्षात रसराज महाभाव हैं। जब वो हमारे सामने प्रकट होंगे कि वर मांग लो, तो क्या वर मांगोगे उनसे? हैं? किसी ने मंत्र सुनाया है? ये हमारे गुरुजी ने हमको सबको मंत्र सुनाया, अभी केवल मंत्र सुन जाओ, फिर धीरे धीरे इस मंत्र की उपलब्धि हो जाएगी। हमारे गुरुजी कहते थे जब चैतन्य महाप्रभु वर देने आएंगे हमारे कष्ट को देखकर, परिक्रमा को देखकर, तो उनसे क्या मांगेंगे हम? हमको आप क्या बना दो? राधा जी की दासी बना दो। क्या बनाएंगे? और कुछ मत मांग लेना उनसे, यदि और कुछ मांग लोगे तो ठगे जाओगे। समझ में आई बात? हमारे गुरुजी कहते थे और कुछ भी मत मांगना उनसे, यदि कुछ और मांग लोगे तो ठगे जाओगे। देखो शिवजी है ना, शिवजी है ना, सुनिए शिवजी जी की कथा। शिवजी कौन है? वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है शिवजी जी। उनके मन में एक दिन इच्छा हुई कि हमको भी भैया रास में प्रवेश करना है कृष्ण के, तो उन्होंने क्या किया? क्या किया उन्होंने? पौर्णमासी जी के निकट में वो गए, उनसे प्रार्थना की, महाराज जी की, उनके पीछे वाले महाराज जी की, बोलो श्री गुरुदेव जी की जय। ये मेरे को दे दो। महाराज जी पास, महाराज जी आसन, ठीक है। हरे कृष्णा, हरि बोल। अरे भैया इसकी आवाज कम कहोगे, ठीक करो, डर गया। अक्षुभ इधर आओ, इसको पकड़ो। हैं तो शिवजी जी के मन में एक दिन इच्छा हो गई, क्या इच्छा हुई? है रास में प्रवेश करने की। आपकी इच्छा हो रही है? तो शिवजी जी ने क्या किया? वो गए पूर्णमासी जी के निकट में, और उनसे क्या प्रार्थना की? पूर्णमासी जी से क्या प्रार्थना की?
हमको रास में प्रवेश करा दो। तो पूर्णमासी जी ने उनको कुंड में स्नान कराया तो उनकी एक बड़ी सुंदर गोपी देह उनको दे दिया और रास में प्रवेश करा दिया, किंतु उनको ये नहीं बताया। जल्दी करो भैया, बुद्धि भी नहीं, उसको उसको सामने आएगा तो वो दोनों एक एक दिशा इतना दिल से क्या करें। अरे रुक जाओ, घबरा जाता है। हरे कृष्णा हरि बोल, छोड़ जा। अरे जल्दी करो, रास समाप्त हो जाएगा भैया। हैं तो शिवजी जी को उन्होंने कुंड में स्नान कराया। अरे बैठ जाओ, सुनो इधर सुनो, झट करके बात शुरू कर देते हो, शराब दे देंगे। तो शिवजी जी को कुंड में स्नान करा के रास में प्रवेश करा दिया, एक बड़ा सुंदर गोपी देह बना दिया, किंतु ये नहीं बताया तुम्हारे पति का नाम क्या है, तुम्हारा गांव क्या है। अब शिवजी जी तो रास में गए, रास में कुछ वीरस आरंभ हो गया, आनंद नहीं आ रहा है। गोपियों ने सोचा ये कोई नई गोपी आई है, उसको उनको पकड़ दिया शिवजी जी को और दो चार धर दिए शिवजी जी में, तो दो चार गुलचे लगा दिए। उनसे पूछा बताओ तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारे पति का नाम क्या है, वो तो कुछ बता ना पाए। जब नहीं बता पाई उनको खूब गुलचे लगाए तो पूर्णमासी जी आ गई, वो कहते अरे हमारी कृपा पात्र, इनको छोड़ दो। तो कृष्ण है ना, कृष्ण देखो कितने चतुर है, इसलिए हमारे गुरु महाराज जी है ना, वो तो कृष्ण से भी अधिक चतुर है, क्योंकि भक्त जो है ना वो भगवान से अधिक चतुर है। समझ में आ रही बात? तो गुरु महाराज जी कहते थे कृष्ण कितने चतुर हैं। उन्होंने शिवजी जी को क्या बतला दे, क्या बोला, आपकी कृपा के बिना किसी को रास में प्रवेश नहीं मिलेगा, आप इस रास का जो द्वार है ना उसके द्वारपाल, आज से आपको गेट कीपर बना दिया रास का, आपकी कृपा के बिना किसी को रास में प्रवेश नहीं मिलेगा, किंतु आपको भी नहीं मिलेगा। वो तो गेट कीपर है बेचारे। शिवजी जी खुश हो गए, अरे हमारी कृपा के बिना किसी को नहीं मिलेगा, बाद में समझ आ रहे तो हमको भी नहीं मिलेगा। कृष्ण, हाँ कृष्ण कितने चतुर हैं, है ना। तो हमारे गुरु महाराज जी कहते थे शिवजी जी को कोई गौड़ीय गुरु नहीं मिला, यदि कोई गौड़ीय गुरु मिल जाता ना तो उनके कान में मंत्र फूंक देता। इसलिए गुरु महाराज जी कहते थे यदि महाप्रभु कृपा करने सामने आ जाए तो उनसे क्या मांगोगे, एक ही चीज मांगना, क्या मांगोगे, राधा जी की दासी हमको बना दो, और कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। यदि महाप्रभु हमको कहे ना रहे तुमको धन दे देंगे, धान्य दे देंगे, पुत्र पुत्री दे देंगे, बड़ा घर दे देंगे, तो ऐसे वंचित मत हो जाना, है ना। क्या मांगना उनसे कि प्रभु हमको क्या बना दो, राधा जी की दासी बना दो, है ना। तो नित्यानंद प्रभु जी ऐसे नवदीप के घर घर में घूम रहे और क्या कह रहे हैं, हमारे किनिया लो हो बोलो गौर हरि, एक बार गौर हरि कह दो और हमको खरीद लो। तो हम चाहते हैं ना नित्यानंद प्रभु जी को खरीदना, चलो जोर से थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, दो मिनट बस, फिर हरि कथा आरंभ करेंगे, ठीक है। गौर हरि पहले हम कहेंगे फिर आप कहेंगे, है नित्यानंद प्रभु जी को खरीदना है ना, खरीदना है कि नहीं, खरीदने का मतलब क्या, उनको अपने हृदय में लेकर जाना है, जाना है कि नहीं, जोर से बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय। Oh, God.
आएगा आप अपने हाथ रख दे कहाँ गया गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी श्री गौर भक्त वृंद संसार दुख जलदौ पतितस्य काम क्रोधादि नक्रमकरै कबलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलम्बम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो सचिनंदन गौर हरि गुरु महाराज की जय धाम परिक्रमा की जय भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज की वैष्णवों की हम लोग गुरु वैष्णवों के नुगत्य में श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा करते हुए आज विशेष करके चौथा दिन हम लोगों ने कोलद्वीप और साथ में ऋतुद्वीप परिक्रमा की है। श्री नवद्वीप धाम की विशेष महिमा थोड़ा बहुत संजय प्रभु से हम लोग सुन रहे थे अभी कि श्री नवद्वीप धाम की और श्री चैतन्य महाप्रभु जी की बहुत विशेष महिमा। उस महिमा को हम थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे और जिस समय हमें समझ आएगा तो हम चैतन्य महाप्रभु के प्रति और चैतन्य महाप्रभु की ये निज धाम श्री नवद्वीप धाम के प्रति एक विशेष प्रीति मन में जगेगी और हम प्रत्येक साल नवद्वीप धाम परिक्रमा के लिए वैष्णवों के संग के लिए हम प्रत्येक साल यहां पर आते ही रहेंगे, है ना। श्री कृष्ण कैसे हैं? श्री कृष्ण बड़े नियम के पक्के हैं। श्री कृष्ण के पास शॉर्टकट चलता नहीं। श्री कृष्ण ने नियम रखी है। श्री गीता में श्री कृष्ण ने वो नियम बताया है, ये यता माम प्रपद्यते ताम ततैव बजा। तुम दो कदम लोगे या तुम मेरे साथ जैसा संबंध रखोगे मैं तुम्हारे साथ वैसे संबंध रखूंगा। तो इसलिए श्री कृष्ण बड़े सहज रूप में कृपा कर नहीं देते। श्री भागवत महापुराण में स्पष्ट रूप से बोला गया है, श्री कृष्ण स्वभक्ति यानी उनके चरणों में जो प्रेम जो है वो कदापि देते नहीं। मुक्तिम ददाति करिचित स्मन भक्ति योगम, वो सब दे देंगे, मुक्ति तक भी दे देंगे। जिस मुक्ति को पाने के लिए बर्फ के बीच में 12 साल तक या जीवन भर तक या पानी के बीच में या तरह तरह की तपस्या के द्वारा जिस मुक्ति को पाने के लिए मायावादी योगी ज्ञानी सब प्रकार के लोग चाहते हैं, उस मुक्ति को श्री कृष्ण जो है भक्ति करने मात्र से सहज रूप में ही हमको दे देंगे। फिर बाकी संसार की टाका पैसा घरबाड़ी शादी ब्याह ये तो बात है ही क्या, कुछ है ही नहीं इसमें। जब आपको मुक्ति यानी आपको देवता भी बना देंगे चाहोगे तो,
जिस शनि देव, जिस सूर्य देव को आप पूजते हो वही सूर्य देव बन जाओगे चाहोगे तो, और ब्रह्मा भी बन जाओगे। और ब्रह्मा और ये बाकी तो बात ही किया, आपको मुक्ति तो आपको खुल के दे देंगे, सब कुछ दे देंगे कि तो क्या नहीं देंगे। स्मन भक्ति योगम, यानी अपने चरणों में जो प्रेम जो है वो कृष्ण नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? श्री कृष्ण चाहते मैं क्यों प्रेम दूं, मैं प्रेम दूं यदि फिर क्या करना पड़ेगा, उस प्रेमी जन की बात को मानना पड़ेगा। वो कहेगा कि बैठो तो फिर बैठना पड़ेगा, वो कहेगा दौड़ो तो फिर दौड़ना पड़ेगा। मैं तो फ्री रहना चाहता हूं, मैं क्यों तुम्हारी बात सुनूं। तो इसीलिए ठाकुर जी जो है वो प्रेम को देते नहीं है, ठगते हैं, ठीक है ना। तो प्रेमी हमको चाहिए, ये कम से कम हम सुन रहे हैं अभी कि तो प्रेम क्या है, क्या वस्तु है। अभी हमारे पल्ले से 10 जन्म 100 जन्म की बाद की बात, वो हमें समझ नहीं आ रहा प्रेम क्या चीज है ना। तो भी हम बार बार सुन रहे हैं प्रेम प्रेम प्रेम, तो वो प्रेम हमें कैसे मिलेगा, विशेष करके कृष्ण के चरणों में जो प्रेम है वो हमें कैसे मिलेगा। तो शास्त्रों में दिखाया गया कि जो लोग सीधा कृष्ण के पास जाकर के कृष्ण की विशेष कृपा को प्राप्त करना चाहा, श्री कृष्ण ने पहले तो उनकी बहुत परीक्षा ली, बहुत, और परीक्षा के बाद भी 2-4 दिन में नहीं दे दिया, कल्पों कल्पों तक तपस्या किया, गोपाल मंत्र जापा तो तब जाके मिला। सारा विवरण शिव जी ने स्वयं पार्वती जी को पद्म पुराण के पाताल खंड में, शिव पार्वती सब के बीच में श्री कृष्ण लीला के बारे में कहते हुए श्री पार्वती जी ने पूछा कि किस किस ने गोपी भाव में श्री कृष्ण को प्राप्त किया, तो वहां पर शिव जी ने कहा कोई है बृहत्तपा किसी का नाम है, वो व्यक्ति ने 7 कल्पों तक ये गोपाल मंत्र को जापते हुए गोपी भाव को प्राप्त किया, मतलब तकी भाव को विशेष करके। तो इस प्रकार से बड़े कठिन मेहनत के बाद वो दुर्लभ वस्तु हमको मिलता है, बहुत ही दुर्लभ वस्तु। श्री ब्रह्मा शिव और नारद और उद्धव, यहां तक भी लक्ष्मी जी भी उस वस्तु को चाहती है, पांडव के बारे में जो हम लोग सुन रहे थे आज, जो लोग चाहते हैं फिर भी नहीं मिलता है तो हमारे जैसे लोगों की तो फिर बात ही किया है ना। तो प्रश्न ये है कि वो दुर्लभ वस्तु हमें कैसे मिलेगा। तो वही कृष्ण ही जब राधा जी का भाव लेते हैं, राधा जी क्या है, करुणा गुरुमयी करुणा भरीते सनक सनातन भरणित चरिते। राधा जी कैसी हैं, करुणा से भरपूर है। राधा जी ने नियम नहीं बांधा है, ये इतामाम प्रपद्यते ताम ततैव बजामि, हम वो नियम नहीं बांधा है, तो इसीलिए करुणा से भरपूर है। तो इसीलिए जो लोग राधा जी का शरण लेते हैं वो कृष्ण की विशेष कृपा को प्राप्त जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। किंतु वही कृष्ण जब राधा जी का भाव लेकर के 500 साल पहले इस नवद्वीप धाम में जब जन्म लिया, और विशेष करके इस पूरे नदिया में नवद्वीप धाम में नाम संकीर्तन प्रवर्तित किया, उन चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण के पूर्ण रूप से कृष्ण ही हैं और श्री राधा जी के भाव कांति को लेकर के पधारे हैं, वो चैतन्य महाप्रभु दोनों के गुण, विशेष करके राधा जी के विशेष गुण उनमें रहने के कारण कोटि गुना करुणा से परिपूर्ण है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा, हम लोग परसों भी सुना था, महावदान्याय, मानो मैंने 150-500 रुपए दे दिया, या किसी को प्यास है तो पानी दे दिया, कंबल दे दिया, ये तो दया है, ठीक है, बस थोड़ा सा देख करके हम समझते हैं बहुत बड़ी हमने,
किंतु महाप्रभु ने वो वस्तु दिया है फ्री में, बिल्कुल फ्री में। जो वस्तु प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी, शिव जी और पांडव और सबके सब चाहते हैं किंतु किसी को मिल नहीं पाया है, वही ब्रज प्रेम को, गोपियों के कृष्ण के प्रति जो प्रेम, उस प्रेम को महाप्रभु ने सहज सरल रूप में, जो श्रद्धालु है, जो व्यक्ति उस प्रेम को चाहता है, उस सुयोग्य पात्र को चैतन्य महाप्रभु ने सहज सरल रूप में उस प्रेम को दिया। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय। तो ये नवद्वीप धाम परिक्रमा करने से जब हमारे परिश्रम को चैतन्य महाप्रभु देखेंगे कि ये परिक्रमा कर रहा है धूप में, वो भी सुबह से भूखा, पारण का समय जा रहा है तो 9:30 बज गया 10 बज गया तो रोना आ रहा है, भूख भी लग रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहेंगे, ओ मेरे लिए तुम इतना परिश्रम कर रहा है तो क्या चाहता है। तो जैसे संजय प्रभु ने कहा था कि उस समय हम यदि महाप्रभु से यदि कहेंगे हमें आपके चरणों में प्रेम चाहिए, सेवा चाहिए, तब चैतन्य महाप्रभु हमें सहज सरल रूप में, योग्यता योग्यता कुछ नहीं, ज्ञान है, समझ आ रहा समझ नहीं आ रहा कुछ नहीं चाहिए। ये मत सोचो श्लोक आ रहा, ये आ रहा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे, कुछ कोई योग्यता नहीं चाहिए, बिल्कुल बेवकूफ भी रहे, मूर्ख भी रहे, कोई बात ही नहीं, बस केवल सहज सरल रूप से हम यदि उस वस्तु को चाहा, चैतन्य महाप्रभु हमें सहज रूप में ही श्री कृष्ण के प्रति वैसे ही प्रेम भाव हमको दे सकते हैं। और उस प्रेम भाव प्राप्त करने का जो प्रारंभिक जो सीढ़ी है वो हमें साधुओं का संग प्रदान करेंगे, जिस संग में हमें उस प्रेम की शिक्षा हमको मिल सकती है। तो ये प्राप्त करने के लिए हम लोग नवद्वीप धाम में प्रत्येक साल जो है श्री नवद्वीप धाम की परिक्रमा हम लोग करते हैं, और प्रत्येक साल श्री महाप्रभु की विशेष एक कृपा के बारे में सुनते हैं, और प्रार्थना हम लोग यही करते हैं कि हे महाप्रभु, जन्म जन्मांतरों में आप कृपा करके जो जो आपके जो प्रेमी भक्तजन हैं, उन भक्तों का हमें संग की प्राप्त हो, सेवा का सुयोग प्राप्त हो, वो हमें कृपा करके प्रेम क्या वस्तु है हमें शिक्षा दें, क्योंकि भक्त ही उसकी शिक्षा दे सकते हैं प्रेम वस्तु क्या है। उसके लिए हमें शिक्षा लेनी होगी, यानी विशेष रूप से हमको ट्रेनिंग लेनी होगी। बिना उस ट्रेनिंग के प्रेम वस्तु क्या है हम समझ नहीं सकते। वो कोई रसगुल्ला नहीं है कि बस वो चीज है तो लिया तो खा लिया तो हो गया, उसके लिए लगातार उस प्रोसेस में चलना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए महाप्रभु विशेष करके वैसे साधु संग हमें दे, जिस साधु संग में हम उस प्रेम वस्तु के बारे में जान सकें। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय। कृष्ण प्रेम की जय, नवद्वीप धाम की जय, और प्रेमानंदे हरे हरे। कहाँ कहाँ लगा रखा है तो लोगों तक जाती है ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा ठीक है। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै सदादये
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। आनंद लीला मया विग्रहाय हेमामि दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। राधा चिंतनिवेशिनं यस्य कांति विलोपिता श्री कृष्ण चरणं वंदे। राधा लिंगितं विग्रहं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। ये कोई भी नहीं घुमाता, सबकी एक ही बीमारी है, खुद ही घूम रहे बेचारे सुबह से शाम। अभी हम लोग श्री महाप्रभु जी के संबंध में, उनकी महिमा की संबंध में कुछ कथाओं को श्रवण कर रहे थे। आज बड़ी एक विशेष तिथि है, कल एकादशी थी, आज द्वादशी है, बोलते ये विशेष तिथि नहीं, आज श्री मानवेंद्रपुरी पाद जी की तिरुभाव तिथि है। बोलो श्री मानवेंद्रपुरी पाद जी की। इसलिए उनके संबंध में एक दो बातों को, उनकी लीलाओं को श्रवण करें जिससे उनकी कृपा हम पर प्राप्त हो। बोलते श्री मानवेंद्रपुरी पाद जी प्रेम के प्रथम अंकुर, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के परम गुरुदेव। महाप्रभु जी के गुरुदेव कौन? ईश्वरपुरी के धन्य कौरी ले न श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु। उन्हीं श्री ईश्वरपुरी पाद जी के भी जो गुरु जी है वे श्री मानवेंद्रपुरी पाद जी। हमारी संप्रदाय श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, तो मध्वाचार्य जी से फिर एक मानवेंद्रपुरी पाद जी वाली एक जो स्ट्रीम है, एक जो प्रणाली परंपरा, वो इस प्रकार से महाप्रभु जी मानवेंद्रपुरी पाद जी से फिर ईश्वरपुरी पाद जी, इस तरह से हमारे गुरुदेव तक आई। श्री मानवेंद्रपुरी पाद जी का जीवन का एक नियम था, नियम था क्या, अयाचिक वृत्ति से ही रहूंगा। अयाचिक वृत्ति होती है क्या, बोलते हैं किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, अपनी इच्छा से कोई यदि मुझको दे तभी मैं पान कर सकता हूँ। बोलते किस वस्तु का, एकमात्र दूध को छोड़कर और कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। कैसा कठोर संकल्प है, बस दूध ग्रहण करूंगा और कुछ नहीं, वो भी कोई अपने आप से देगा तो मैं मांगूंगा भी नहीं। ऐसे संकल्प, ऐसे कठोर संकल्प को लेकर श्री मानवेंद्रपुरी पाद जी जब गोवर्धन जी में आए तो वहां पर इसी प्रकार से विराजमान एक छोटा सा बालक, श्याम सलोना एक बालक हंडिया में दूध लेकर आया। बोलते बाबा ये दूध है पी लो। मेरी मैया यहाँ से जा रही थी, उन्होंने देखा आप बैठे हैं तो गैया का दूध आपके लिए भेजा है, मेरे यहाँ पर कोई भी भूखा नहीं रहता। ये बोलकर वे बालक चले गए। श्री मानवेंद्रपुरी बाजी उस दूध को पान करने लगे और वो अमृत जैसा लगने लगा। उसी समय थोड़ी सी तंद्रा आई और उनको गोपाल जी का स्वप्न में गोपाल जी आए। वह गोपाल जी जो उस समय भूमिस्थ अर्थात भूमि के अंदर दबे हुए थे, वह गोपाल जी स्वप्न में कहने लगे हे माधव आप मुझको बाहर निकालिए, मैं कितने समय से यहाँ भूमि में ही दबा हुआ हूँ, मुझको यहाँ पर गर्म लगती है, मुझको गर्मी लगती है, मुझे ठंडा लगता है, मुझको भूख लगती है, मुझको प्यास लगती है। आज तक तो ये बात किसी को बोली नहीं थी। वहाँ गोवर्धन में तो बहुत सारे लोग वास करते हैं लेकिन किसी को तो ये बात बोली नहीं। किसको बोली? श्री मानवेंद्रपुरी पाद जी को। भगवान को जिनसे सेवा ग्रहण करनी होती है वो उनसे सेवा ग्रहण कर लेते हैं। और किन से सेवा ग्रहण करते हैं? जो उनको सच में सेवा करने चाहते हैं,
जिस सेवा में कोई स्वार्थ ना हो, जिस सेवा में कोई उपाधि भी ना हो, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, निरुपाधिक प्रेम, अनकंडीशनल लव, निरुपाधिक। इसी संबंध में थोड़ी सी बात अलग जाएगी। एक आज से 10 साल पहले फरीदाबाद में कोई थे जो भागवत में मेरे को लेके जाया करते थे और कथा से लेकर आते थे। तो मैंने बोला, आपने भी हरिनाम ले रखा है? बोलते, हाँ जी, हमने भी हरिनाम दीक्षा ले रखी है, हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं। तो मैंने कहा, बहुत अच्छा है, आप तो मंगल है आपका। तो एक दिन मैंने देखा मार्केट में खड़े होकर सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा, है ये? बोलता, दीक्षा ले रखी है, सिगरेट पी रहा। तो मेरे को जब गाड़ी में लेने आए, मैंने कहा, भैया एक बात बताओ, आपने दीक्षा ले रखी ना? हाँ हाँ, मैंने आपको कल सिगरेट पीते हुए देखा मार्केट में। बोलता, तो रोज पीता हूँ मैं, तो ड्रिंक भी ले लेता हूँ। मैं कहा, तो आप फिर कह रहे मैंने दीक्षा ले रखी है? बोलते, हमारे गुरु जी का ये कहना है कि भगवान की भक्ति में किसी प्रकार की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। कोई अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई उपाधि नहीं होनी चाहिए। अगर यदि आपने कोई कंडीशन लगा दी, फिर वो अनकंडीशनल कैसे हो गया? अगर आप बोलोगे प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना है, तो आप कंडीशन लगा रहे हो भक्ति। तो किस प्रकार से ये बात को घुमाते हैं, समझ रहे हो? तो वो प्रेम कैसा? बोलते, निरुपाधिक प्रेम उन्हीं भक्तों से जो किसी उपाधि को लेकर नहीं, किसी कंडीशन को लेकर नहीं, अनकंडीशनल निरुपाधिक प्रेम। और उस निरुपाधिक प्रेम में क्या लक्षण है? आश्लिष्य व पद रतम पिनष्टु माम मम दर्शन हाथ व करो तु वा। महाप्रभु जी बोल रहे हैं शिक्षाष्टम के अष्टम श्लोक में कि किस भाव में बोल रहे हैं? बोलते, राधा जी के भाव में विभावित होकर महाप्रभु जी बात को बोल रहे हैं। हे श्याम सुंदर, यदि आप मुझको दर्शन ना देकर भी पीड़ा देना चाहें, या फिर आप मुझको दर्शन देके सुखी रखना चाहें, मत प्राणनाथ तो एव ना परा, तब भी आप मेरे ही प्राणनाथ हैं। ये नहीं कि जब आप सुख देंगे तो आप प्राणनाथ हो, जब आप सुख नहीं दोगे तो आप प्राणनाथ नहीं हो। हाँ, गुरु जी से कंठी माला ले ली, कंठी माला ले ली, अब हम भक्ति करेंगे, नवदीप परिक्रमा करेंगे, अब मन में यही अभिलाषा है सुख ही सुख मिले। यदि आप ये मन में इच्छा रखोगे, ध्यान से समझना, इसका मतलब आपने भगवान के उस प्रेम में आपने एक उपाधि, एक कंडीशन लगा दी है। बल्कि होना क्या चाहिए? मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रति तुहा अधिकार। भक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं, आप मारो या रखो, आप दुख दो के सुख दो, मैं हर स्थिति में आपका नित्य दास ही रहूंगा, आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा, आपकी सेवा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हमारे भक्ति ठाकुर जी कहते हैं, तुम्हार सेवाए दुख है जत सही तो परम सुख। समझ आ रही है बात? मंगला है उसका हिंदी का अर्थ क्या है? हे भगवान, आपकी सेवा में यदि मुझको किसी प्रकार का दुख भी प्राप्त हो रहे, तो मैं आपको कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, कोई शिकायत नहीं है, कोई नालिश नहीं है। वो तो मेरे लिए परम सुख का विषय है, क्योंकि उस दुख का जो कारण, अर्थात किस कारण से हो रहा है, मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, तो कोई सेवा में परेशानी आ रही है, कुछ हो रहा है, उसके केंद्र तो आप ही हो ना। ये बहुत बड़ी बात है, ये कहना जितना आसान है ना, मैं तो बोल दिया ना, लेकिन ये जब सेवा में जब अनुभव होता है इसका, तो परीक्षा होती है। इसलिए भगवान मंगल भवन, वहां पर अमंगल का कार्य कोई नहीं है। तो हमको जब दुख आता है तो हम सोचते हैं अमंगल हो रहा है, आपको कैसे पता? जब डॉक्टर आपका ऑपरेशन करता है, इंजेक्शन लगाता है, पीड़ा होती है, दर्द होता है, आपको ये लगता है मेरे को दुख मिल रहा है, परंतु डॉक्टर आपको क्या दे रहा है? सुख दे रहा है। भगवान की कौन सी क्रिया में क्या हमारा मंगल छिपा हुआ है, वो हम कैसे जानेंगे? इसलिए धैर्य धारण करते हुए गुरु वैष्णव के अनुगत में हरि कथा को श्रवण करते करते
ये कथा कर क्या करती है, हमको हमारी चेतना को विकसित करती है। व्यक्ति वही रहेगा, हम वही रहेंगे, लेकिन हमारी चेतना विकसित होती चली जाएगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती एलिवेट होती चली जाती हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस। आप सबका अनुभव होगा, जब पहली बार एक माला जप किया, आरंभ किया होगा, तो उस समय वो एक माला जप भी कितना कष्टदायक लगता होगा। कष्टदायक का मतलब 20 मिनट लग गए, एक माला रोज करता हूं मैं, बड़ी बहादुरी का काम है ना। कल मैंने दो माला की थी और अभी आज अब कोई 16 करता है, कोई 32 करता है, वो तो 64 माला करती है। अब वो दो माला कैसी लगती है, वो तो ये तो यूं हो जाती है। क्यों? कथा सुनते 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 जो परिपक्व अवस्था आने आरंभ हो जाती है क्या हो रहा है, व्यक्ति वही है, चेतना विकसित होती चली जाती है, वो एक आधार बनता चला जाता है समझने का, जानने का, अनुभव करने का। इसलिए क्या कहा गया, निरंतर भगवान की कथा सुनते जाओ, निरंतर साधु संग सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, रुचि हो रही है कि नहीं हो रही, सुनते जाओ, कभी उसमें किसी प्रकार की बाधा ना आने पाए, बस सुनते जाओ। एक भिखारी को जैसे भूख लगी हो तो आपके द्वार पर आकर, मान लो 3 दिन से कुछ खाने को मिला नहीं, तो द्वार पर आकर बोलेगा वो आज घर में आलू का परोठा हो तो थोड़ा भिक्षा में दे दो, ये बोलेगा नहीं। भूख लगी है, जो बना है दे दीजिए, मैं खा लूंगा। उसी प्रकार हम हैं वास्तव में भूखे, लेकिन हम मान नहीं रहे हैं भूखे हैं, हम हैं भूखे। और हमको चाहिए क्या, नित्य प्रति, नित्य प्रति बोलते हैं नित्यम भागवतम सेवया, नित्य प्रति भागवत की सेवा अर्थात श्रवण। जब मैं कहता हूं नित्य प्रति तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जैसे मेरे कमरे में धूप नित्य आती है, मेरे कमरे में नित्य धूप आती है तो मतलब कितनी देर आती होगी, 20 मिनट 25 मिनट, वो तो फिर हट जाएगी वहां से। नित्य का मतलब यहां पर वो 15 मिनट नहीं, हर क्षण, हर क्षण। इसलिए जब हम धाम परिक्रमा कर रहे हैं, सबके पास आजकल कैमरे हैं ना, फोटो ले लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं। भगवान ने इतने बढ़िया पिक्सल के कैमरे दिए हुए ना, ये दो आंखें, इनमें धाम का दर्शन बसा के ले जाओ। किस लिए, देखो हम देखकर चले जाते हैं, थोड़े 2-4-5 दिन में 10 दिन में या 1 महीने में भूल जाएंगे वो दृश्य, यदि उसका बराबर चिंतन नहीं किया गया। इसलिए बहुत सारे भक्त बोलते हैं मंत्र करते समय मन नहीं लगता, हरिनाम करते समय मन भागता है, तो भागेगा ही तो, क्यों, उपाय क्या है। जब इतनी दूर से आए धाम परिक्रमा कर रहे हैं तो इसको नेत्रों में बसाकर, नेत्रों से मन में बसाकर संग लेके जाओ। और नित्य प्रति नियम बनाइए कि जब हम हरिनाम करें, जब हम गुरु जी से प्राप्त मंत्र को करें, उन सारे दृश्यों को, वो जो हमने धाम परिक्रमा की है उसी परिक्रमा में पहुंच जाइए अपने आप ही, मन से। दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा में बैठकर, जयपुर में बैठकर, वहीं पर बैठे बैठे हम नवदीप धाम का दर्शन कर सकते हैं। हरि नाम करते समय चिंतन करो, आज हम योगपीठ में गए, हम शिवासंगम में गए, महाप्रभु जी का दर्शन किया, मैंने महाप्रभु जी के चरणों में पुष्प अर्पण किया, मैंने तुलसी अर्पण की, कोई रोकेगा नहीं। यहाँ पर यदि योगपीठ मंदिर में, किसी मंदिर में भीतर आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, पुजारी जी जाने नहीं देंगे, लेकिन आप मन से जाओगे कौन रोकेगा आपको, कोई रोक सकता है। मन से जाकर वहां पर सेवा करके आओ और देखना हरिनाम 16 माला ऐसी हो जाएगी, 32 माला ऐसी हो जाएगी, कितना आनंद लगेगा। और वास्तव में नवदीप धाम परिक्रमा का या ब्रजमंडल परिक्रमा का फल प्राप्त होगा यदि हम ऐसे चिंतन से भी वहां चले जाए। ये उपाय है हरिनाम करने का, ये उपाय है मंत्र जप करने का। बाकी समय तो मन तो लगता ही नहीं है, लेकिन जिस समय कम से कम मंत्र करें, हाँ, और जिस समय हरिनाम करें, तो इस प्रकार से करना चाहिए। इसलिए वे निरुपाधिक प्रेम, उसी बात पर आ जाता हूं, वो प्रेम कैसा है, बोलते अनकंडीशनल निरुपाधिक प्रेम। वहां पर कोई कंडीशन नहीं लगानी है,
ये बात भी हमको सीखनी है अभी धीरे धीरे, अपने अनुभव में, अपने प्रैक्टिस में, अपने अभ्यास में लाना है इस बात को सबको। मैं बोल रहा हूँ आपको, उपदेश नहीं दे रहा, अनुभव में इस बात को लाना कितना जरूरी है। वो निरुपाधिक प्रेम है। श्री मार्गविंद पुरीपाद जी क्या कर रहे हैं, अयाचिक वृत्ति से, तो गोपाल जी ने उन्हीं से सेवा धारण की। अरे फोन साइलेंट कर लो ना, ए खोका, क्या बोला था, गोपाल जी ने उन्हीं से सेवा ग्रहण की। तो उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उन्होंने जमीन को अच्छे से कुदेरा और बड़े सुंदर गोपाल जी का विग्रह प्राप्त हुआ, जिसको आज हम कहां दर्शन करते हैं, श्री नाथ द्वारा में श्री नाथ जी का दर्शन होता है। कैसे खड़े हैं, बड़े सुंदर, आंख मीच कर, उसका भी कारण है, आंख मीचे हुए क्यों है। वे गोपाल जी प्रकट हुए, उनका अभिषेक किया गया। कितने समय तक अभिषेक चलता रहा, अन्नकूट महोत्सव मनाने लगे, मथुरा के बड़े बड़े व्यापारी आकर उनके लिए अलंकार वस्त्र लाने लगे और श्री मानविंद पुरीपाद जी सब गोपाल जी को अर्पण करते गए। अन्नकूट महोत्सव मनने लगा प्रत्येक दिन, एक गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव, लेकिन उन्होंने कभी भी उसमें से एक दाना भी कुछ ग्रहण नहीं किया। अपने उस दृढ़ संकल्प पर दृढ़ रहे, कौन सा, अयाचिक वृत्ति से दुग्ध पान करने वाला। और ऐसे करते करते जब इतने अभिषेक भी हो गए, गोपाल जी ने कहा मेरे शरीर का जो ताप है वे जा नहीं रहा है, हाँ, मेरे शरीर का ताप जा नहीं रहा है, आप मेरे लिए चंदन लेकर आओ, मले पर्वत से चंदन लेकर आओ। श्री मानविंद पुरीपाद जी श्री जगन्नाथपुरी धाम पहुंच गए। वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, सरकारी कर्मचारी, उनसे सब बातचीत की, उन्होंने बड़े बड़े लकड़ी के चंदन के दे दिए और श्री मानविंद पुरीपाद जी उनको लेकर जब आ रहे हैं, मार्ग में ही गोपाल जी ने एक लीला को रचा, भक्त वत्सल है भगवान। ये देखकर कि मानविंद पुरीपाद इतनी दूर से, जगन्नाथपुरी से वृंदावन आना, गोवर्धन आना कितना दूर है, लगभग 2000 किलोमीटर। जब ये आएंगे मार्ग में, कितने यवन राजा, यवन राजा मतलब मुसलमान, उसको स्पर्श करेंगे, इनको दुख होगा। अपने भक्त के सुख को बड़ा करते हुए भगवान अपने सुख को भूल जाते हैं, ये उनका स्वभाव है। इसलिए रास्ते में रेमुना में जहां पर गोपीनाथ जी का मंदिर, वहां पर श्री मानविंद पुरीपाद जी ने एक दृश्य देखा। संध्या के समय में गोपीनाथ जी को 12 कसोर अमृत केली खीर भोग लगती है, बड़ी गाढ़ी गाढ़ी खीर, पतली पतली वाली नहीं, रबड़ी जैसी गाढ़ी। इनके कौन कौन खाया, कौन कौन खाया, बस हरे कृष्ण, इसलिए सब पतले दुबले हो, तेरी बात नहीं कर रहा। तो श्री मार्गविंदपुरी पाजी ने एक दृश्य को देखा, वे अमृत के लिए खीर को भोग लगते हुए उनके मन में अभिलाषा हुई कि यदि मैं इस खीर को थोड़ा सा चख लूं तो फिर मैं भी अपने गोपाल जी के लिए ऐसी खीर को उनको अर्पण करूंगा, भोग लगाऊंगा। तो बताओ उन्होंने अपनी इच्छा से, अपने स्वार्थ के लिए या अपने पान के लिए, खान के लिए उसकी इच्छा थी, नहीं, किसके लिए इच्छा थी, भगवान की सेवा के लिए, सेवा उद्देश्य था। परंतु तब भी अपने आप को धिक्कार दे रहे हैं, हाँ ये मेरे मन में इच्छा क्यों आई, मैंने आज तक कभी दुग्ध को छोड़कर और कुछ पान नहीं किया, लेकिन मेरे अंदर ये इच्छा क्यों आई, मुझको धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार करते हुए जो बाहर आए, तो गोपीनाथ जी ने एक लीला को रचा। पुजारी जी तो रोज घंटा बजाएं, भोग लगाएं, वो गिनते भी नहीं कसोरे, वो तो रोज 12 ही तोते। गोपीनाथ जी ने एक छुपा लिया कपड़े के नीचे, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, बड़े प्रसिद्ध चोर है ना, आज खीर भी चोरी कर ली, कभी माखन चोरी करें, कभी वस्त्र चोरी करें, कभी राधा जी के भाव की चोरी करें, और अनेक जन्म चित्त पाप चोरम, भक्तों के पाप को भी चोरी कर लेते साधकों के। इसलिए
जब उन्होंने खीर चोरी थी, रात को पुजारी को स्वप्न में आकर कहा, हे पुजारी उठो, मेरे भक्त उनको ये खीर प्रदान करो। पुजारी जी आंखों में अश्रु लेकर वे खीर का कसोरा जो वस्त्र के पीछे छुपा हुआ था देखकर कि अरे गोपीनाथ भक्त के लिए खीर भी चोरी कर लेते हैं, लेकर बाहर आए और पूछने लगे, कौन है माधव, कौन है माधव, कबे माधव आसिबे करिबे सेवन। ये भगवान ठाकुर जी की वहाँ इच्छा थी, तो कौन है माधव, कौन है माधव। इसलिए वो खीर का कसोरा लेकर जब बाहर आए तो श्री माधविंद्रपुरी पाद जी, ये तो मेरा नाम उच्चारण हो रहा है। बोलते हाँ मैं ही हूँ। बोलते भगवान ने, गोपीनाथ जी ने आपके लिए खीर चोरी की है। श्री माधविंद्रपुरी पाद जी क्रंदन करने लगे और बड़े आदर सहित उस खीर को स्वीकार किया। पहले अपने आप को धिक्कार दे रहे थे, अब स्वीकार कर रहे हैं, ठाकुर जी ने भेजी है। पहले अपनी इच्छा थी, अब भगवान ने भेजी है। अब उसको धारण किया, ग्रहण किया और ना मात्र खीर को खाया, परंतु वो जो मिट्टी का कसोरा होता है उसको भी अपने कपड़े से बांध लिया, उसको भी नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा उसको भी ग्रहण करते गए। हम लोग खीर खाते हैं, कसोरा फेंक देते हैं, कोई मिट्टी खाता है, परंतु उनके मन, उनकी भावना कैसी, जैसे खीर महाप्रसाद है ऐसे वो मिट्टी का कसोरा भी महाप्रसाद है, क्योंकि ठाकुर जी ने भेजा है, श्री गोपीनाथ जी ने भेजा है। इससे पता लगता है कि उनकी खीर में आसक्ति है। हाँ, महाप्रसाद, उनकी महाप्रसाद में बुद्धि है, अर्थात महाप्रसाद मानते हैं वो, कसोरा भी महाप्रसाद है, वे खीर भी महाप्रसाद है, उस भावना से, महाप्रसाद की भावना से। और हम लोग खाते हैं, कभी प्रसाद भी फेंक देते हैं, होता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग महाप्रसाद को महाप्रसाद ही नहीं मानते। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के निकट जब भगवत जगन्नाथ जी का प्रसाद आए, महाप्रभु जी पहले स्तुति करें, महाप्रसाद गोविंदे नमो ब्रह्म वैष्णवे, प्रणाम करें, महाप्रसाद की परिक्रमा करें और बड़े आदर सहित उसको पान करें। एक दिन श्री अद्वैताचार्य प्रभु के घर में नित्यम प्रभु और महाप्रभु आए और अद्वैताचार्य प्रभु उनको निवेदन किए, भोग दिए, और महाप्रभु जी शाक खाते हुए क्या कह रहे हैं, एक दिन शांतिपुरे प्रभु अद्वैतरा घरे दुई प्रभु भोजन बशीला शाक करी अश्वदान प्रभु बोले भक्तगान ऐ शाक कृष्ण अश्वादिला। महाप्रभु जी खा रहे, आहा ये जो शाक है इसको भगवान ने, कृष्ण ने अस्वादन किया है, उनके गुणगान गा रहे हैं, महाप्रसाद की वंदना कर रहे हैं। उसी प्रकार श्री माधविंद्रपुरी पाद जी भी इतने आदर के साथ उस कसोरे को भी ग्रहण कर रहे हैं और इस भय से, प्रतिष्ठा भय, प्रतिष्ठा भय माधविंद्र जाए पलाइया, श्री माधविंद्रपुरी पाद जी की अब तो सारे गांव को पता लग जाएगा कि गोपीनाथ जी ने मेरे लिए खीर चोरी की, तो सब लोग आके क्या करेंगे, आप तो बड़े भक्त हो, आप तो गुरु जी हो, आपकी तो पूजा करनी चाहिए, उनको बिठा लेंगे। हाँ हम लोग होंगे तो क्या करेंगे, हाँ आने दो, गांव वालों को पता तो लगे, मैं भी कम नहीं हूँ, ठाकुर जी ने खीर चोरी की और फेसबुक पे डाल दो। श्री माधविंद्रपुरी पाद जी वहां से चले गए। गोपाल जी ने स्वप्न में फिर से कहा, इतनी दूर आने की आवश्यकता नहीं, वो जो चंदन ला रहे हो वही गोपीनाथ को लगा दो, हमारा ये अभिन्न कलेवर है। तो श्री माधविंद्रपुरी पाद जी ने वे चंदन गोपीनाथ जी को लेपन किया और गोपाल जी का जो शरीर का ताप वे दूर हो गया। इसलिए श्री नाथ द्वारा में श्री नाथ जी श्री माधविंद्रपुरी पाद जी के द्वारा सेवित विग्रह हैं। श्री माधविंद्रपुरी पाद जी के दो शिष्य जो उनकी बहुत सेवा करते कौन, श्री ईश्वरपुरी पाद जी और एक शिष्य जिनका नाम रामचंद्रपुरी। श्री माधविंद्रपुरी पाद अपने अंतर ध्यान लीला से कुछ दिन पूर्व ही जब अस्वस्थ लीला कर रहे हैं, उस समय विरह में कातर होकर अपनी दीनता को प्रदर्शित कर रहे हैं। कहां तो श्री रूप गोस्वामी पद्यावली में कह रहे हैं, संध्या वंदन भद्रमस्तु भद्रमय, पूरा श्लोक अभी स्मरण नहीं, हे संध्या वंदन
मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। हे देवताओं, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। हे पितरों, मुझको अब तुम्हारी सेवा करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? अब तो मैं पूर्ण रूप से मेरा मन सब कुछ श्री कृष्ण को अर्पण हो चुका है। इसलिए संध्या वंदन को भी प्रणाम, देवताओं को भी प्रणाम, पितरों को भी प्रणाम, ये सब करने की और आवश्यकता ही नहीं है। कहां तो ये बात और कहां अब जब अस्वस्थ लीला कर रहे हैं तो बार बार श्लोक उच्चारण कर रहे हैं विरह में। अय दीन दयाल नाथ हे मथुरा नाथ कदव लोक श्री हृदय तम अवलोक कातरम दैत भ्रमति किम करो में हम किम करो में हम किम करो में हम। हे मथुरा नाथ, श्री माधवेंद्र कोरिपा जी क्रंदन कर रहे हैं विरह में। हे मथुरा नाथ, आप कहाँ चले गए? मैं आपके हृदय आपके विरह में मेरा हृदय कातर हो रहा है, विदीर्ण हो रहा है। हे मथुरा नाथ, तो मथुरा नाथ क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? बोलते आक्षेप करते हुए, सरकास्टिंग, उलाना देते हुए। जैसे महाप्रभु जी जगन्नाथ 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 बोलते हैं, जगन्नाथ जी तो मुख्य नाम नहीं है, गौण नाम है। जगत नियंता जगन्नाथ सर्वशक्तिमान, ये तो गौण नाम है। गोपीकांत राधा रमन राधा माधव राधा विनोद बिहारी, ये मुख्य नाम है। और महाप्रभु जी फिर मुख्य नाम उच्चारण न करके जगन्नाथ जगन्नाथ क्यों बोलते हैं? बोलते हैं उलाना देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सरकास्टिंग। गोपियों के भाव में, अब तो आप मथुरा के नाथ हो गए, अब आपको हमारी चिंता कहां? हे जगन्नाथ, अब तो आप जगत के नाथ हो। उन्हीं भाव में विभावित होकर महाप्रभु जी बोलते हैं। श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी भी उसी भाव में बोल रहे हैं, हे मथुरा नाथ किम करो में हम किम करो में हम। ये गोपी भाव है, किम करो में हम, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं क्या करूं, किम करो में हम किम करो में हम। तो ईश्वरपुरी पाद जी उस समय उनकी सेवा करते, उनको तो होश ही नहीं, वो तो समाधि में है। उनके उनको परिष्कार करना इत्यादि सब प्रकार की सेवा और उनके भावों को वर्धित करना। जैसे मेरे गुरु महाराज जी जब 102 वर्ष की आयु में श्री जगन्नाथपुरी में अवस्थान करते थे, रहते थे, श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी, आज उनका संन्यास दिवस भी है। और संन्यास दिवस संन्यास हुआ भी कहाँ था? वो तो चंपाहटी में, जिस स्थान पर, जिस वहां पर हम बैठकर जो महाराज लोग सब बैठकर कथा बोल रहे थे, वहीं पर ही उसी हॉल में श्री भक्ति गौरव वैखनस गोस्वामी महाराज जी से आज के दिन ही ये चंपाहटी में गुरु महाराज का संन्यास हुआ था। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। तो गुरु महाराज के अस्वस्थ लीला में जब हम लोग हम चार पांच भक्त लोग उनकी सेवा करते थे, तो एक दिन श्री गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी गुरु महाराज को देखने के लिए आए। हम लोग वहीं पर थे, अभी नए नए थे। गुरुदेव ने गुरु महाराज जी को पूरा प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किए, और उनकी ये अवस्था को देखकर रह नहीं पाए। गुरुदेव बस प्रणाम किए आ गए। मैं उनको पकड़कर जब नीचे लाया, उनको थोड़ी देर बिठाया, महाराज जी थोड़ा सा बैठ जाइए। उस समय महाराज जी बोलते थे जल दिया इत्यादि सब हाँ। तो गुरु जी ने उस समय एक आदेश दिया, उपदेश दिया, बोलते इस समय पूरी महाराज कोई साधारण स्थिति में नहीं है और ना साधारण स्थिति में समझना, ये बड़ी उच्च दशा है। इसलिए बस उनकी शारीरिक सेवा करके ही संतुष्टि मत होना, उनके भावों को वर्धित करना, उनके निकट बैठकर चैतन्य चैतन्यमृत का पाठ करना, उनके निकट बैठकर श्री नरोत्तम ठाकुर भक्तों ठाकुर लोचनदास ठाकुर के भजनों को गाना, इससे उनके भावों का वर्धन होता है, बढ़ते हैं। गुरुदेव के उस उपदेश को जब हमने पालन करना आरंभ किया, तो गुरु महाराज की वो जो भाव में जो मूर्ति का जो दर्शन देखा, अपूर्व दर्शन। हम आप कितना रो सकते हैं? 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा। गुरु महाराज जी के नेत्रों से जब अश्रु निकले, तो मैंने ये तो महाभागवत उत्तम अधिकारी परम वैष्णव और भगवान के परिकर, इनके नेत्रों से अश्रु निकल रहे हैं। मैंने तुरंत वो एक टिश्यू पेपर लिया, उन अश्रु को लेकर जेब में रख लिया। तो बड़े अमूल्यवान है, तो बड़े साधारण नहीं है, लेकिन वो तो रुकने का नाम ही ना ले। सारी रात
मैं अपनी आंखों से मैंने देखा, मैं साक्षी हूँ इस चीज का। सारी रात गुरु महाराज जी रो रहे हैं, सारी रात वो भजनों को सुनकर, चैतन्य चेतामृत को सुनकर। और सुबह जब मंगल आरती से पहले 4-4:30 बजे तीन बाल्टी बड़ी बड़ी भीगे हुए उन अश्रुओं को हम बाहर रख कर आए। 3 बाल्टी, इतने अश्रु कहाँ से आ गए? ये तो प्रत्यक्ष देखा गुरु महाराज जी को। तो श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी भी उसी स्थिति में, उसी भाव में विभावित हैं। अरे दीन दयाल नाथ है, मथुरा नाथ, कोई अभाव नहीं है, लेकिन अभाव प्रकट हो रहा है। जब कोई दीनता पूर्वक कुछ बात को कहा जाता है, अभाव को प्रकट करते हैं, अभाव को प्रकट करते हैं, परंतु वास्तव में अभाव नहीं है। हाँ, भीतर में पूर्ण आस्वादन हो रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में श्री ईश्वरपुरी पाद जी उनकी सेवा करते हैं, और इसलिए महाप्रभु जी ने श्री ईश्वरपुरी पाद जी को अपने गुरु के रूप में धारण किया। परंतु दूसरी ओर रामचंद्रपुरी जैसे भी एक शिष्य आए, जो आकर कहने लगे, गुरुदेव आप रोते क्यों? आप ब्रह्म का ध्यान कीजिए, परम आनंदमय आनंद में रहिए, रोते किसलिए हो? वहीं पर भाव का क्या हो गया? खंडित हो गया। और श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी उनको शासन करते करने के, चले जाओ, मैं तुम्हारा मुख भी देखना नहीं चाहता, उनको त्याग दिया। हाँ, और फिर बाद में क्या हुआ? वही रामचंद्रपुरी महाप्रभु जी में भी दोष देखने लग गए। महाप्रभु जी को अपने घर में निमंत्रण देते, महाप्रभु जी घर में जाकर जब प्रसाद पाने के लिए आते तो जानबूझकर उनके पत्ता में इतना डाल देते कि 10-15 व्यक्ति, और महाप्रभु जी क्या करते, सब कुछ ग्रहण कर लेते, कोई उचिष्ट छोड़ते नहीं। रामचंद्रपुरी कहने लगे, इतना खाएंगे सन्यासी, इंद्रियों पर संयम कैसे होगा? महाप्रभु जी एक शब्द नहीं बोले, चुपचाप चले गए। फिर निमंत्रण किया, फिर महाप्रभु जी आए और पहले से विचार कर लिया, अब अधिक नहीं खाऊंगा, फिर ये मेरे को दोष निकालेगा, इसलिए थोड़ा सा ही लिया। बोलते अल्प, बस अल्प, अधिक नहीं। रामचंद्रपुरी फिर से दोष निकालने लगा, बोलते इतना अल्प आहार करके ये शुष्क वैराग्य से क्या भक्ति होती है? ये शुष्क वैराग्य है। महाप्रभु जी एक शब्द नहीं बोले। गंभीरा में रहकर महाप्रभु, पिपली का चीटियां वहां से जाती है, रामचंद्रपुरी दोष निकालने लगा, सन्यासी होकर मीठा खाता है, कैसे अपनी इंद्रियों पर संयम करेगा? लेकिन कुछ नहीं बोले। क्यों कुछ नहीं बोले? क्योंकि इन पर कृपा करनी ही नहीं है। यदि गुरु जी शासन कर दें, समझना इस बात को, यदि गुरु जी शासन करें ये कृपा है, और यदि शासन न करके गुरु जी मौन हो जाएं, ये कृपा नहीं है, ये अवहेलना है। श्री महाप्रभु जी यदि उनको कोई आक्षेप करते, कोई शासन करते, तो तुरंत ही कृपा हो जाती, लेकिन उन पर कृपा करनी नहीं है। इसलिए बहुत बार बोलता हूं, महाप्रभु जी बहुत विचारशील हैं, इतना सरल सीधा नहीं है उनको। महाप्रभु जी कृपालु तो बहुत है, महावदन्याय है, लेकिन उनको ऐसा सस्ता मत समझ लेना कि हम जो भी कुछ करें महाप्रभु जी पर स्वीकार कर लेंगे। हाँ, तो इसलिए श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी की ये आज तिरुभाव तिथि, इसी उपलक्ष्य में दो एक बातें उनके संबंध में कही है। दो एक बात? नहीं नहीं, मैं तो आपको ही फॉलो करता हूँ। मैं पहले से बोलता नहीं था, इन्हीं से सीखा हूँ। यही कह रहे दो एक शब्दों में, ज्यादा नहीं है टाइम, ज्यादा नहीं है टाइम, नंबर। हाँ, ये संघ प्रभाव है, संघ दोष है ना। महाबंदपुरी पाद जी की जय। तिरुभाव तिथि की जय। गौर प्रेमानंदे। मैं तो बोल कर आता हूँ, बच्चे लोग तो एक क्लास का जाओ, बोलो नहीं खड़े सर, आ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, आ जाओ। हरे कृष्णा। मैं तो बोलता रहता हूँ, हम चाहते हैं, हम तो बूढ़े हो गए, हमारे पीछे जो बच्चे लोग हैं वो भी थोड़ी बहुत सीखे, इसलिए आज ये छोटे छोटे बच्चे लोग भी 5-5 मिनट ये लोग भी कुछ बोलेंगे हमारे सीखे। तमाल कृष्ण, चलो इससे इससे ये तो साबित हो गया कि मैं जवान हूँ। बोले वो बूढ़े।
नमं विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने वांश्चकल्पतरुवस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टतरशत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत दंडी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अशंक कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनका हेतु कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित अभिन्न गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टतरशत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ओम विष्णुपाद अष्टतरशत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत सिद्धंति महाराज जी के श्री चरण कमलों में अशंक कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनका हेतु कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित पूज्यपाद विजय कृष्ण प्रभु संजय प्रभु एवं अन्य वैष्णववृंद मातृवृंद के श्री चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग बड़े ही सौभाग्यवान हैं कि गुरुजनों के मुख से हमें श्री नवद्वीप धाम के दिव्य महिमाओं के बारे में हमें श्रवण करने का सुयोग प्राप्त हो रहा है। विशेष करके हम लोग कोई नोएडा से आए, कोई फरीदाबाद से, तो कोई दिल्ली के अन्य अन्य स्थानों से इस नवद्वीप धाम में आए हुए हैं। नवद्वीप धाम में हम लोग किस लिए आए? क्योंकि वृंदावन धाम, तो हम लोग यदि वृंदावन धाम में जाए तो 2-2.5 घंटे में हम लोग पहुँच ही जाएंगे, तो इतना कष्ट करके नवद्वीप धाम में हमें आने की क्या ज़रूरत है? तो जहाँ पर सर्वप्रथम श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते हैं कि गौरंग महाप्रभु एवं नवद्वीप धाम की कृपा हुए बिना किसी को श्री वृंदावन धाम या ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर की कृपा उन पर हो नहीं सकता है। यही नियम है, यही विधि है। जहाँ पर कहते हैं आराधित नववनम ब्रज काननते नाराधित नववनम ब्रज एव दूरे आराधित द्विजसुतम ब्रज नागरस्ते नाराधित द्विजसुतम ना तवेह कृष्ण। जिसने स्पष्ट रूप से नवद्वीप सतगम में उन्होंने बतला दिया। लेकिन यह विशेष करके जो प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी हैं, वे हमारे दक्षिण भारत में श्री रंग क्षेत्र में उनका जन्म हुआ है एवं महाप्रभु की कृपा जब हुआ, महाप्रभु की कृपा से वे सीधा वृंदावन धाम में आए, कभी भी नवद्वीप धाम में आए नहीं। किंतु उन पर महाप्रभु की कृपा होने के कारण नवद्वीप धाम का सब कुछ अपने आप, जो लीला स्थलियों का महिमा अपने आप उनके हृदय में स्फुरित हो गए। जिसका सर्वश्रेष्ठ साक्षी कौन है? श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी है कि महाप्रभु का कृपा होने से अनायास ही वृंदावन धाम में एवं वृंदावन धाम की महिमा वृंदावन में जाने का हमें सुयोग अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। जिसमें वे कहते हैं श्लोक में कि हमने यदि नववन अर्थात नवद्वीप धाम की आराधना की है तो अपने आप ब्रज वन के में आराधना अपने आप हो जाएगा। यदि हम नवद्वीप धाम की आराधना नहीं किए, हम ब्रज एव दूरे, ब्रज बहुत दूर है, यदि हम जाएंगे भी तो ब्रज की महिमा को ना समझ पाएंगे और ना ही कुछ हृदयंगम कर पाएंगे। आगे कहते हैं कि यदि हमने द्विजसुत सचिनंदन गौर हरि की आराधना हमने किया है तो ब्रजनागरस्ते अपने आप ब्रजनागर जो श्री श्याम सुंदर है उनका आराधना अपने आप हो जाएगी। यदि हम ब्रज श्री द्विजसुत सचिनंदन गौर हरि की आराधना यदि हम किए नहीं तो ब्रज ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हमसे बहुत दूर है, ना तवेह कृष्णा, उसको कृष्ण कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए वे श्री चैतन्य चंद्रामृत में बतलाते हैं यथा यथा गौर पादरविंद बिंदित भक्ति कृत पुण्य राशि ततो तथोसर्पित हृदय कस्मत राधा पदम्बुज सुदम्बु राशि। कि जिस यथा यथा जैसा जैसा गौर पादरविंद में किसी सुकृतिवान का यदि दृढ़ निष्ठा हो जाए, भक्ति हो जाए, जितने मात्र हमारा भक्ति इस नवद्वीप धाम एवं सचिनंदन गौर हरि के प्रति वर्धित होते रहेंगे उतने मात्र में हमारे हृदय में श्री ब्रज की महिमा एवं
राधा रानी के पादाम्बुज चरणों की जो कृपा है हमारे हृदय में उतने मात्रा में हमारे हृदय में प्रकाशित होते रहेंगे। क्योंकि श्रीला परम गुरु महाराज जी जहाँ पर बतलाएं हम लोगों का उद्देश्य क्या है, राधा जी के चरणों की दासी बनना ही हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है। गोपी भर्तु पद कमली और दास दासानुदास, महाप्रभु ने जहाँ पर इस बात को स्पष्ट रूप से बतला दिया कि हम लोगों का वही एकमात्र सार है। तो श्रीला परम गुरु महाराज जी जहाँ पर कहते हैं कि जब तक हम लोग हमारा उद्देश्य को हम लोग जब तक फिक्स नहीं करेंगे तब तक हम साधन किसका करेंगे, अर्थात सर्वप्रथम हमें हमारा उद्देश्य को सर्वप्रथम फिक्स करना पड़ेगा कि हमारा उद्देश्य क्या है, तभी जाके तो हमारा साधन हो पाएगा। ऐसे श्री सचिनंदन गौर हरि अकस्मत चैतन्य अवतारति दयाशार हृदय, अकस्मत वे जगत इस औदर्य धाम नवद्वीप धाम में प्रदान करने के लिए आए हैं। श्री सचिनंदन गौरहरि महाप्रभु की कृपा के लिए कि सर्वप्रथम जिनका कृपा का अवलोकन कैसे प्राप्त हो सकते हैं, नवद्वीप धाम महात्म ग्रंथ में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी जिस महिमाओं के बारे में बतलाते हैं कि जीव गोस्वामी जी को कैसे इस नवद्वीप धाम का कृपा मिला, कृपा हुआ, वे नित्यानंद प्रभु के मार्गदर्शन से समस्त लीला स्थलियों में गए। आज हम लोग ऋतुद्वीप में राधा कुंड के तट पर हम लोग गए थे, हम लोग गुरुजनों के मुख से अनेकों कथाएं अनेकों महिमा जहां पर हम लोगों ने श्रवण किए कि राधा कुंड क्या महिमा है। जहां पर पुराण में बतलाते हैं यथा राधा प्रिय विष्णु सस्य कुंड्यम प्रिय तथा, कि जिस प्रकार से राधा रानी भगवान श्री हरि का अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिया है, उसी प्रकार से उनके जो कुंड है, क्योंकि राधा रानी एवं राधा रानी के जो कुंड है राधा कुंड उनसे अभिन्न है, अभिन्न होने के कारण कृष्ण का अत्यंत प्रिय है। उस प्रकार हम लोग उस राधा कुंड के तट में गए थे। लेकिन देखिए यह जो राधा कुंड है, राधा कुंड अब तक लुप्त था लेकिन इससे कौन प्रकाशित किया, उसका संपूर्ण श्रेय श्री नित्यानंद प्रभु के, क्योंकि नित्यानंद प्रभु यदि जीव गोस्वामी जी के माध्यम से जगत में उसे प्रकाशित नहीं करते तो शायद आज हम लोग गुरु वैष्णव का अनुगत्य में उस स्थान में ना जा पाते। जब जीव गोस्वामी जी को साथ में लेकर श्री नित्यानंद प्रभु ऋतुद्वीप में जहाँ पर राधा कुंड है उस जगह में जब गए, तब भाव विभोर होकर श्री नित्यानंद प्रभु कहने लगे कि अरे मेरे प्यारे कन्हैया तुम कहाँ हो, मेरे शिंगा कहाँ है, अरे मेरे प्यारे कन्हैया तुम कहाँ हो, तुम जल्दी जल्दी से उठ जाओ, तुम अभी भी सोए हुए हो, अरे श्रीदाम, अरे सुवल, तुम लोग सब कहाँ पर हो, ये बछड़े मुझसे अकेले संभाले नहीं जाएंगे, तुम लोग जल्दी से आ जाओ, कृष्ण कन्हैया को उठा लो। इस प्रकार नाना प्रकार के भाव वहाँ पर उनके हृदय से उद्गार होने लगे। तब भक्त लोग कहने लगे कि प्रभु अब जिस कन्हैया को ढूंढ रहे हैं वह कन्हैया तो अब तो वे पूरी में संन्यास ग्रहण करके पूरी धाम में गए हुए हैं। इस बात को जैसे ही सुना कि पूरी धाम में चले गए, तुरंत वे मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छित होकर जैसे ही गिर पड़े एवं कुछ पश्चात भक्तगण क्या किए, भक्तगण गौर हरि का कीर्तन करने लगे। गौरंग जब नित्यानंद प्रभु का मूर्छा भंग हुआ, नित्यानंद प्रभु तब इस बात को प्रकाशित करने लगे कि ये राधा कुंड है, राधा कुंड के अनेकों महिमा है, राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ जगत के सर्वश्रेष्ठ स्थान है जिसे रूप गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। और हो गए एक हो गए एवं जिसे श्री रूप गोस्वामी जी बतलाए कि राधा कुंड में भजन ही सर्वश्रेष्ठ भजन है, लेकिन श्रीला परम गुरु महाराज ने इस बात को बतलाया कि राधा कुंड में हम जाके भजन करेंगे, गिरी गोवर्धन में जाके भजन करेंगे, लेकिन क्या गिरिराज हमसे बात करेंगे, क्या शासन करेंगे, राधा कुंड हमसे बात करेंगे, नहीं करेंगे। इसलिए श्री संजय प्रभु जी एक बात बतलाते ना, लीला स्थलियों में जाओ लेकिन जाके प्रणाम करो, तुरंत साधु के निकट जाओ कि साधु ही उसके महिमाओं को बतलाएंगे। जहां पर श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं सनातुर अविष्करति, कि जिस दिव्य प्रेम को बड़े बड़े देवताओं को छोड़ दो, बड़े बड़े मुनिवृंद भी जिस प्रेम को प्राप्त कर नहीं पाते, ऐसे देव दुर्लभ प्रेम मुनिवृंद को भी जो प्रेम प्राप्त नहीं होता, ऐसे दुर्लभ प्रेम जहां पर स्नान करने से ही भक्ति पूर्वक यदि कोई इस राधा कुंड में जाके स्नान करते हैं अविश करोति उसको तुरंत उस प्रेम दे देते हैं। तो मैं यहाँ इतना तक बोल के समापन करता हूँ, महाराज जी का भी इंगित हुआ है।
मंचा कल्प दुर्वस्य कृपा सिंधु दैवस्य प्रदान पावन दैवस्य विभो नमो नमः गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथमस्मद्य गुरुपाद पद्म प्रातःकालीन स्मरणे नित्यलीलापृष्ठम जगद्गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतः श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत परमहंस त्रिदंडी स्वामी श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभयचरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहितुकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत अभिन्न गुरुपाद पद्म मध्य शिक्षा गुरुदेव श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी भी अहितुकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित पूज्य पाद श्री विजय कृष्ण प्रभु के श्रीचरण कमलों में भी मेरा साष्टांग दंडत प्रणाम है। तदुपरांत समस्त रूपानु गुरु वैष्णव परंपरा के श्रीचरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मातृमंडली कथा पिपासु स्रोत मंडली सज्जन वृंद सभी के चरणों में मेरा दंडत प्रणाम है। हरे कृष्ण। देखो अभी हमारे तमाल कृष्ण प्रभु जी कितनी सुंदर सुंदर बात बता रहे थे कि धाम दर्शन कीजिए, सारी चीज़ें कीजिए, आचमन कीजिए, स्नान कीजिए, सब कुछ कीजिए धाम में, लेकिन उस काम को करने के तत्पश्चात शीघ्र अति शीघ्र साधुओं के निकट उपस्थित हो जाओ। किस कारण से उपस्थित हो जाओ वो भी उन्होंने बता दिया कि गुरुदेव कहते हैं कि गिरिराज गोवर्धन बात नहीं करेंगे, हमारे ऊपर शासन नहीं करेंगे, हमें दिशा निर्देश नहीं करेंगे, कौन करेंगे? साधु करेंगे। तो ऐसे ही एक परम साधु जिन्होंने हमको शिष्य के रूप में स्वीकार किया, मेरे गुरुपाद पद्म श्री नवदीप सत्कम, एक ग्रंथ उनकी आविर्भाव तिथि पे जो शतवर्ष की तिथि थी उस पे प्रस्तुत हुआ, नवदीप सत्कम श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद, उस ग्रंथ के मुख पृष्ठ पे ही गुरुदेव की बात को लिखा गया है कि गुरुदेव कह रहे हैं कि कितना आश्चर्यमय और कितनी रहस्यमय ये बात है। क्या बात है इतनी आश्चर्यमय और रहस्यमय कि कोई अगर इस नवदीप धाम के नागरीय घाट से गोता लगाता है तो वो कहां निकलेगा? वृंदावन के केसी घाट पे। कितनी अद्भुत बात गुरुदेव कह रहे हैं, आश्चर्य में ही है ना। और कह रहे हैं कि जो सचिनंदन गौर हरि की सेवा करेगा वो अपने आप ही युगल सरकार श्री राधा कृष्ण की नित्य सेवा को प्राप्त कर लेगा। सच में अद्भुत बात है भाई, लेकिन इस अद्भुत बात को स्वीकार करने के लिए सबसे बड़ी चीज है विश्वास। अगर हमारे अंदर वो विश्वास आ गया कि हाँ जो गुरुदेव कह रहे हैं, जो हमारे गुरुवर्ग ने बोला है, हमारे जो सदग्रंथों में लिख दिया गया है सत्य है, उस बात का विश्वास हो जाए तो निश्चित रूप से जो वो कह रहे हैं ना वैसा ही होगा, क्योंकि उनका एक एक शब्द मैं तो समझता हूँ ब्रह्म वाक्य है। एक एक शब्द अगर उन्होंने ऐसा लिखा है कि यहाँ नवदीप में नागरीय घाट से गोता खाने पर हमारा केसी घाट में हम प्रकट होंगे, निकलेंगे वहां जाके, तो ये निश्चित रूप से होगा। इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ विश्वास है, वो विश्वास हमारे हृदय में आ जाए, वो विश्वास हमारे गुरुदेव की सेवा में आ जाए, वो विश्वास इन पूजनीय वैष्णव के चरणों से हमारा बन जाए। विश्वास की ही तो बात है, विश्वास ही सब कुछ प्राप्त कराएगा। हम यहाँ आते हैं, बार बार आते हैं, किस कारण से आते हैं? कहीं ना कहीं कुछ तो विश्वास हुआ है। अगर विश्वास नहीं होता इन महाजनों की वाणी का तो क्यों आते, क्यों इतना बार बार पूछे पाद महाराज जी? मैं तो ये देखता हूँ हर वर्ष जब भी मुझे सुअवसर गुरुदेव करते हैं यहाँ आने के लिए, महाराज जी की इतनी शालीनता, इतना इनका एक वैभव मेरे को हमेशा ही दिखता है। यद्यपि इनके निकट कुछ 16-17 वर्ष हो गए, लेकिन तब पर भी सब कुछ नया नया, जैसे भगवान के बारे में कहते हैं कि नव नवायन मान, तो कृष्ण कैसे हैं, ऐसे ही महाराज जी के चरित्र में मेरे को देखने को मिलता है। प्रति वर्ष इनके निकट बैठने से ना कुछ नई नई चीजें देखने को मिलती हैं। ऐसा लगता है कि अभी महाराज जी को हमने देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, और अभी हम शांतिपुर हो गए। शांतिपुर में प्रसाद था, वैसे महाराज जी
वो बात तो नहीं कहने वाली, तप पर भी इन महाजनों की, इन गुरु वर्ग की क्या महिमा है। भगवान की महिमा तो अनंत है, उसको हम क्या समझेंगे क्या बोलेंगे। लेकिन जो हमारे निकट भगवान की कृपा से उपस्थित है, भगवान ही कृपा करके हमारे निकट इन महाजनों के रूप में उपस्थित हो गए, आचार्य के रूप में उपस्थित हो गए, उनको थोड़ा सा जाने, उनको थोड़ा सा समझे, तो भगवान तो अपने आप फिर समझ में आ ही जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हो सकता है किसी और का कुछ दूसरा हो, ये मेरा विश्वास है। शांतिपुरम गए तो वैसे तो जो एक वो था मैनेजमेंट, वो अपने हिसाब से ठीक ही हुआ होगा, लेकिन तब पर भी इतने लोग प्रस्तुत हो गए ऑन द स्पॉट कि महाराज जी को दो बसें और मंगानी पड़ी। तो ये मैं देखता हूँ कि महाराज जी किसी पक्ष को लेके कोई बात रखते हैं, उस पक्ष के साथ साथ बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट हर बार ऐसा होता है। जैसे हम दो साल पहले एक चक्रा ग्राम गए थे, तब पर भी ऐसा ही हुआ, इतने लोग हो गए। तो ये किस कारण से, ये सिर्फ और सिर्फ श्रील महाराज जी की प्रीति, जो मुझे और महाराज लोगों के शिष्य है ना, वो डायरेक्ट कहते हैं कि जैसे बहुत से लोग हैं, मुझे भैया भी कहते हैं, प्रभु जी भी कहते हैं, कहते हैं कि भैया जो हमको ना महाराज जी का नाम लेके, कि जो हमको ना महाराज जी में प्रीति दिखती है ना, प्रेम दिखता है, हमको अपने गुरुदेव में भी नजर नहीं आता। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो, क्योंकि हम तो महाराज जी के आशीर्वाद से मैं गाजियाबाद में जगह जगह स्थान स्थान पर जाकर कथाएं करता हूँ, तो हर प्रकार के और हर महाराज लोगों के शिष्य मिलते हैं। तो लेकिन प्रीति बहुत बड़ी चीज़ है भाई, हम उन्हीं महाराज जी से, मैं तो तकरीबन अब वही सीखने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस प्रकार से मेरे हृदय में भी प्रीति की भावना आए। और एक बड़ी अच्छी बात गुरुदेव ने और बोली है, लेकिन उसके पहले श्रीमन सचिनंदन गौर हरि, जिनके विषय में कहा जा रहा है कि जय नवदीप नव प्रदीप प्रभाव पाषाण्ड गजे का सिंगम स्वनाम संख्या जप सूत्रधारी चैतन्य चंद्र भगवान मुरारी। इतनी सुंदर बात बोली जा रही है कि वो स्वयं भगवान, हम सब लोगों ने जाना कि राधा कृष्ण मिलित स्वरूप ही है वो सचिनंदन गौर हरि, वो स्वयं क्या करके दिखा रहे हैं, भगवान मुरारी स्वनाम संख्या जप सूत्रधारी, नाम की महिमा को प्रकाशित कर रहे हैं स्वयं भगवान, संख्या पूर्वक भगवान नाम करके दिखा रहे हैं भक्त के रूप में, चैतन्य चंद्र भगवान मुरारी। वो स्वयं भगवान मुरारी जो है ना, वो जो मुकुंद है, मुक्ति देने वाले हैं, वो उस नाम की महिमा को दिखा रहे हैं कि ये नाम जो है ना, ये अद्भुत है सच में। अभी हम एक स्थान पे थे, कथा कर रहे थे, तो वहां नाम की महिमा में ही गुरुदेव ने कुछ हृदय में कुतूहल कर दिया, तो वो जवान पे आ भी गया और कुछ बोलने का प्रयास भी हो गया। एक छोटी सी लीला याद आ रही है, उसको कह के फिर विश्राम दूंगा वाणी को। जब हम सब लोगों ने सुना है ना कि ब्रज में जब पूतना का प्रवेश हुआ, ये तो भी पूतना ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकती, तब पर भी भगवान की लीला का प्रकाश होना है, तो भगवान की ही कृपा से पूतना का प्रवेश हो गया ब्रज में। अब वो चली तो गई वहां, और भगवान कृष्ण के साथ में जो लीला होनी थी वो लीला भी हुई, तो भगवान ने उनकी जो पूर्व जन्म की इच्छा थी उसको पूर्ण किया कि वो बलि महाराज जी की कन्या थी रतनमाला, ठीक है, तो भगवान ने उस इच्छा को पूर्ण कर दिया। तो वो 10,000 हाथियों का बल रखने वाली पूतना, वो छोटे से नन्हे कृष्ण, 6 दिन के कृष्ण को छुड़ा नहीं पा रही है, ये भगवान की अद्भुत महिमा है। और वहां यशोदा मैया क्या करती हैं, 1.5 वर्ष के कृष्ण को ऐसे कॉलर से पकड़ती हैं और बिठा देती है, बैठ यहां, महाराज जी इतना मधुर वाणी से उस कथा का वर्णन करते हैं कि यहां तो पूत फन रहा है, वहां दूध फन रहा है, हाँ? तो महाराज जी के मुख से सुन के आनंद होता है, लेकिन हम लोग बस वही है कि सुने हुए को चबाने का प्रयास कर रहे हैं, बोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब ये हो गया ना, और ब्रजवासियों ने कृष्ण को पूतना के वक्ष स्थल से उठा लिया और ब्रज में लेके आ गए। अब मैया यशोदा तो सोच रही है कि ये दुनिया भर की आपदा है ना, मेरे लाला के लिए आ रही है, तो अब इसका क्या करें कि गौ माता की महिमा का वहां देखो उस लीला में प्रकाश हुआ है कि किस प्रकार से गौ माता के मूत्र से कृष्ण भगवान को अभिषेक करा गया, बाद में पंचामृत अभिषेक भी हुआ, गोबर से लेप के उनको क्या कहते हैं जो एक होता है कि बलाएं उतारना, उस प्रकार से कृष्ण का वो हुआ। और उसके बाद में माँ यशोदा क्या कर रही है, भगवान कृष्ण के एक एक अंग पे उन्हीं के नामों से उनका तिलक अभिषेक कर रही है, उन्हीं के नामों से, कि ऐसे ऐसे बताया गया है भागवत जी में कि एक एक नाम से कि हे क्या कहते हैं मुकुंद, आप मेरे भगवान मेरे बेटे की भुजाओं की रक्षा करें, एक तिलक लगा रही है तो फिर कह रही है हे भगवान त्रिविक्रम आप मेरे लाला की कमर की रक्षा करें, हर स्थान का वर्णन करा गया है, एक एक तिलक में एक एक भगवान के नाम की महिमा गाई है यशोदा मैया ने। तो आप देखिए स्वयं भगवान अपने ही नाम से अपनी रक्षा करवा रहे हैं माँ के द्वारा, तो कितनी नाम की महिमा होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी ना, तो ये नाम ही है,
ये नाम ही है मेरे को, एक छोटी सी, एक महाराज जी से ही मेरा अभी ब्रजमंडल परिक्रमा में गिरिराज पूजन पे एक छोटा सा वार्तालाप हुआ। मैंने बोला महाराज जी को, महाराज जी मैं भी विग्रह सेवा करना चाहता हूँ। तो महाराज जी बोले कि अभी बाद में बात करेंगे और तुम हरिनाम करो। ऐसे बस ये तीन चार बात हुई तो मेरे हृदय में जो महाराज जी ने प्रेरणा दी कि शायद मैं हरिनाम ही कर सकता हूँ, विग्रह सेवा नहीं हो सकती, तो मैंने उस प्रसंग को द्वारा छेड़ा भी नहीं। तो हरिनाम में विश्वास हो जाए, कम से कम इतना तो हो ही जाए कि भैया ये गुरुदेव ने दिया हुआ है और इसको इस भाव से कम हम कर लें। ये नाम कब प्रकाशित होंगे, है ना, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्थापिता नियमित स्मरण काले, सारी बातें तो कही गई हैं कि नाम में भगवान ने अपनी सारी शक्ति डाल दी। यद्यपि जो नाम नहीं कर सकते वो, जो भगवान नहीं कर सकते वो नाम प्रभु कर सकते हैं। महाराज जी कहते हैं हरि से बड़ा हरि का नाम। तो भैया ये नाम को ना जितनी जल्दी हो सके, वैसे तो मैं समझ रहा हूं कि सभी लोगों ने नाम को अपने अधिकार से अपने गुरु के निकट जाके प्राप्त कर लिया होगा। जिन लोगों ने अभी तक नहीं करा है तो कल के बाद गौर पूर्णिमा है और मैं आप लोगों के निकट निवेदन करता हूं, वैसे तो आपका अपना अधिकार है, आपकी अपनी स्वेच्छा है, आपका अपना विचार है कि जो आपको अच्छे लगते हो महाराज श्री उनके निकट चले जाइए। तब पर भी हम तो अपना अपना आपको अनुभव कहते हैं कि भैया महाराज जी के निकट आने पर जो हमारे गुरुदेव ने उनको उनके ब्रह्मचर्य के समय में नाम दिया था रसानंद, उस रस की शायद अनुभूति आपको हो जाएगी। और बहुत सुंदर ये बात है कि यहाँ सिर्फ भक्ति में रस ही है, जैसा भाव होगा वैसा रस होगा। तो भाव आपका उदय होगा इन संतों के निकट आके और हरि नाम को आप बहुत जल्दी से ग्रहण करें, क्योंकि नाम ही सार है, बाकी सब असार है। बोलो सचिनंदन गौर हरि की। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्र सतसी श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण में साष्टांग दंडोत प्रणाम करके उनका हेतु की कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्र सतसी श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्र सतसी भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज, स्वपार सदस्य परिकर जगत गुरु प्रभुपाद, स्वपार सदस्य परिकर गौर नित्यानंद प्रभु, स्वपार सदस्य परिकर श्री राधा गोविंद जी के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु की कृपा वांछा करता हूँ। उपस्थित पूज्यपाद विजय कृष्ण प्रभु, सतीर्थ गुरु भ्राता वृंद, समस्त वैष्णव वृंद, वैष्णवी भक्त वृंद, समस्त के चरण में अधम का यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरुजी ने हरि बोल हरे कृष्णा। जो जो भक्तगण बाहर बैठे हैं वो अंदर बहुत सारा जगह है, तो आगे वाले कृपया आगे आ जाए। तो आज एक विशेष तिथि है, जैसे कि नवदीप धाम परिक्रमा हो ही रहा है और हमारे गुरुजी बोलते हैं ना एक बात, सोने में सुहागा, तो आज एक हमारे ही आचार्य श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी का आज सुबह तिरोहाब तिथि है, विरह तिथि है। मैं उनके चरणों में कुछ पुष्पांजलि उनके चरणों में प्रदान कर रहा हूँ गुरुजी के आदेश से। तो हमने नाम के बारे में बहुत महिमा श्रवण किया। नाम, जैसे हम नाम लेते हैं, जिस प्रकार राम जी का नाम लिया जाए तो राम जी का नाम लेते ही
हमारे सामने मानो अच्छे से कोई कोई राम जी का नाम ले रहे, तो राम जी का नाम लेते ही ध्यान क्या आता है, धनुष बाण पकड़े हुए। कृष्ण का नाम जो लेते हैं दिमाग में क्या आता है कि बांसुरी पकड़े हुए, त्रिशूल वाले शिव जी का याद नहीं आएगा, दिमाग में क्या आएगा कि वो बांसुरी पकड़े हुए है। इसी प्रकार नाम से रूप का प्रादुर्भाव होता है, नाम से रूप का प्रादुर्भाव होता है, और रूप से जो रूप कृष्ण का रूप, नाम से नाम आ गया, नाम से रूप, और रूप से गुण। रूप तो है, जैसे भागवत जी में पहले ही सुखदेव गोस्वामी पाद ने बड़े सुंदर पहले तो नाम का, कृष्ण का नाम का महिमा सुना, फिर बाद में उनका रूप का महिमा सुना, फिर बाद में जब कंबा दयालु शरण भज, जब तक गुण का महिमा नहीं सुने तब तक आकृष्ट नहीं हुए। तो इसलिए नाम, नाम से रूप और रूप से गुण, और नाम रूप गुण ये सब मिलके जिस जगह पे ठाकुर जी लीला करते हैं ना, उसी जगह को धाम बोलते हैं। पूरा का पूरा नाम रूप और गुण जिस पूरा का पूरा आके जिस जगह पे लीला करते हैं उसी जगह को ये धाम बोलते हैं। तो देखो ये साधारण बात नहीं है, तो इस जगह पे स्वयं ठाकुर जी ने, स्वयं महाप्रभु ने लीला किया है। और हमारे गुरु जी हर समय एक बात बोलते हैं कि गुरु जी बोलते हैं कि इस नवदीप धाम परिक्रमा और ब्रजमंडल धाम परिक्रमा के लिए अनेक अनेक वर्ष से बहुत बहुत देर तक सब लोग वेटिंग करते रहते कि हम कब नवदीप धाम परिक्रमा आए और जाए, कि नवदीप धाम में परिक्रमा करे, ये गुरु जी का मुख से निकला हुआ वाणी है। तो इसी प्रकार आज एक महापुरुष का तिरोभाव तिथि है, पूज्य श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी। तो उनके बारे में ये माधवेंद्र पुरीपाद कौन है, तो श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण यदि पृथ्वी ते करे न अवतार, प्रथम करे न गुरु वर्गेर संचार, माता पिता गुरुदय आदि कथम मान्य गण, प्रथम करे न सवार पृथ्वी ते जन्म। कि बोल रहे हैं कि कृष्ण यदि पृथ्वी में जीव के ऊपर कृपा करने के लिए अगर इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कृष्ण अपने माता पिता, प्रथम करे न गुरु वगैरह संचार, माता पिता गुरु आदि कतो मान्य गण, माता पिता और गुरुदेव ये सबको पहले क्या करते हैं, कृष्ण अपने पहले भेजते हैं पृथ्वी में, पहले जन्म लेते हैं। अब माता पिता पहले नहीं आएंगे, नंद बाबा यशोमती कृष्ण से पहले आए, दाऊ भैया कृष्ण से पहले आए, अब ये लोग पहले अगर नहीं आएंगे तो लीला कैसे, लीला का जो भाव, लीला का जो महत्व वो कैसे रह जाएगा। इसीलिए कृष्ण ही कृपा करते हैं, जैसे गुरु जी बोलते हैं ना कि महाप्रभु जिस प्रकार आते हैं, ठाकुर जी जिस प्रकार आते हैं अकेले नहीं आते, स्वपार्षद सूर्य धाम सह अवतरी, अपने अपने सारे धाम के सारे परिकर, सारे पार्षद, माता पिता गुरु वर्ग सखा भाई सखी सबको प्रकट करके धाम में आते हैं और सबके साथ बड़े सुंदर सुंदर रूप में लीला करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि कृष्ण यदि पृथ्वी ने करे न अवतार, प्रथम करे न गुरु वर्गेर संचार। इसी प्रकार महाप्रभु भी जब इस धरा इस यहाँ पे आए, वो राधा प्रेम को, उस भाव माधनक्ष भाव को आस्वादन करने के लिए सबसे पहले उन्होंने अपने माता पिता गुरु वर्ग का इस पृथ्वी में अवतीर्ण कराया, जन्म कराया। तो इसमें पांच जन का नाम विशेष करके श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि माधव ईश्वरपुरी, बोल रहे हैं कि माधव ईश्वरपुरी सची जगन्नाथ अद्वैत आचार्य प्रकट होयल से ही साथ, कि माधवेंद्र पुरीपाद सची माता जगन्नाथ मिश्र और महाप्रभु के गुरु ईश्वर पुरीपाद, और कल हम गए थे ना शांतिपुर में अद्वैता आचार्य, वो भी महाप्रभु के गुरु वर्ग है। तो ये माधवेंद्र पुरीपाद कौन है, ये महाप्रभु के गुरु वर्ग है। अब इनसे पहले हमने पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्री सिद्धांति महाराज जी से बहुत सारे महाराज जी का कथा सुना, लेकिन माधवेंद्र पुरीपाद के जो चरित्र है उनको श्रवण करने से विशेष रूप में जो तीन शिक्षा मिलता है, विशेष करके तीन शिक्षा मिलता है। एक तो बात यह है कि इन्होंने जो बताया गया है ना, कल हम अंबिका कालना गए थे, वहाँ पे हमने श्रवण किया कि किस प्रकार और जो गौर नित्यानंद जो महाप्रभु साक्षात विग्रह के रूप में वहाँ पे प्रकट हो गए और विग्रह भी चलने लगे, वो विग्रह भी भोजन करने लगे। तो यहाँ पे भी माधवेंद्र पुरीपाद से गोपाल जी बात किए, तीन बार सपनादेश दिया और हर समय बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो ये सब जो भाव है यहाँ पे बता रहे हैं
कि जो नाम विग्रह रूप तिने एक स्वरूप, तिने भेद नाई तिने चिदानंद रूप, कि जिस प्रकार नाम विग्रह और स्वरूप ये एक ही है, तो यहाँ पे ये शिक्षा दे रहे हैं हमारा तो जैसे जिस प्रकार का भगवत स्वरूप पांच प्रकार का है, स्वयं रूप, तदात्म रूप, व्यूह रूप और वैभव रूप और विग्रह रूप, तो इसमें चार चीज़ में तो विशेष रूप में जीव का विश्वास आ जाता है। भगवान स्वयं है, स्वयं कृष्ण, उनमें से पढ़ लिख के हम देखते हैं अरे भगवान इनको प्रणाम करो, ये विश्वास आ जाता है। भगवान के वैभव देख के, भगवान के चतुर्व्यूह, हाँ इस शब्द को देख के विश्वास आ जाते हैं, लेकिन सब गड़बड़ी जब होता है ना विग्रह तत्व पे, तो विग्रह को सबसे सब क्या मानते हैं, पत्थर मानने लगते हैं। जब पत्थर मानने लगते हैं तब वो विग्रह पत्थर जैसे काम करेंगे। अब उसी विग्रह को ठाकुर जी के पूरा सेवा में अगर पूरा नियुक्त करके ये मेरे ठाकुर जी है, प्राणनाथ है, इसी प्रकार का अगर मानने लगेंगे तो हमसे क्यों बात नहीं करेंगे, वो अवश्य बात करेंगे। तो इसी प्रकार इन्होंने विग्रह तत्व के ऊपर बड़े सुंदर शिक्षा बताया कि विग्रह साक्षात रूप में स्वयं ठाकुर जी ही है। इनको पहले से माधवेंद्र पुरीपाद को, इनको जो गोपाल जी ने दूध लेके दिए और स्वप्नादेश में दूध भी पी लिए, और स्वप्नादेश में बोलते हैं कि मैं मलेच्छ के भय से बन के झाड़ी में छुपा हुआ हूँ। बोले जय जय प्रभु, आपको मलेच्छ का क्या जरूरत है, त्रिभुवन को आप डर, त्रिभुवन आपसे डरते हैं, जो भय का भी भय है, आपको मलेच्छ के भय से आप भाग रहे हो, ये कोई बात हुआ, ये कोई बात है क्या। बोले ये नहीं है, वास्तव में क्या है, ये भक्त के महिमा को प्रकाशित करना चाहते हैं। से हमारे सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, ठाकुर जी क्यों गए, ठाकुर जी को कोई मलेच्छ मलेच्छ का भय नहीं था, तो वृंदावन का जो लता पता वो भी साधारण नहीं है, तो उसी भाव को आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी चले गए और भक्त के महिमा को प्रकाशित कर रहे हैं यहाँ पे माधवेंद्र पुरीपाद। तो ये तो विग्रह तत्व के ऊपर इन्होंने बड़े सुंदर रूप में शिक्षा दिया कि विग्रह साक्षात स्वयं ठाकुर जी है। इनके लिए खीरचोरा गोपीनाथ जी अपने नाम तक परिवर्तन कर लिया, गोपीनाथ थे और इनके लिए परिवर्तन कर दिया खीरचोरा। अब देखो इन्होंने चयन किसको किया, माधवेंद्र पुरीपाद का आयु कितना साल है, तो टीका में प्रभुपाद बता रहे हैं कि इनका आयु कम से कम 80 से भी ऊपर है। इनको बोल रहे हैं कि वृंदावन से आप 2000 किलोमीटर तक चल के जाओ और वहीं से क्या करो, चंदन लेके आओ। तो ये वास्तव में क्या करना चाहते हैं ठाकुर जी, इनके महिमा को, ये इतना अजाचक वृत्ति किस प्रकार महाराज जी बता रहे थे अभी, तो इनके जो महिमा को हो ये जगत में ठाकुर जी, भक्त के महिमा को स्वयं ठाकुर जी प्रकाशित कर रहे हैं। जिस प्रकार ठाकुर जी के महिमा को भक्त प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार स्वयं ठाकुर जी भी क्या करते हैं, अपने भक्तों को महिमा को प्रकाशित कर देते हैं, दिखा देते हैं कि ये मेरा भक्त है। तो ये तो एक शिक्षा दिया। और दूसरे बात, हमारे प्रभुपाद ने एक कीर्तन लिखा, दुष्ट मन तुम किसेर वैष्णव, तो उसमें प्रभुपाद ने बार बार एक चीज के ऊपर दृष्टिपात कर, देखेंगे तो पता चलेगा, एक एक चीज पर, एक एक प्यार पर, एक एक लाइन पे, एक एक बात ही बताया कि प्रतिष्ठा 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 प्रतिष्ठा, कम से कम 12 से 13 से 14 बार पूरा का पूरा एक एक लाइन में प्रतिष्ठा को छोड़ो, प्रतिष्ठा को छोड़ो, प्रतिष्ठा को छोड़ो, ये बात बताया। तो जो प्रतिष्ठा को छोड़ने के लिए हमारे गुरुवर्ग बड़े बड़े, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़े बड़े, और बड़े बड़े जो लोग भी, वो प्रतिष्ठा को छोड़ने में सक्षम नहीं हो पाते, अक्षम हो जाते। तो उसी प्रकार का जो प्रतिष्ठा है, इन्होंने किस प्रकार का अपने जीवन में छोड़ा, देखो ये प्रतिष्ठा के कारण इनको जब पता चला ना कि पुजारी ने बोलते हैं कौन है वो माधवेंद्र पुरी जिनके लिए गोपीनाथ खीर कोयलो चोरी, कि कौन है वो माधवेंद्र पुरी को जिनके लिए ठाकुर जी ने खीर चोरी किया, लो आपकी खीर। तो ये जब खीर को देखते हैं ना, जो अमृत केली, जो खीरा को देखते हैं, ये तो तब पाते हैं प्रेम से और सोचते हैं कि अरे मेरे अभी सब जय जयकार करेंगे, तो तुरंत ही रातों रात जगन्नाथपुरी निकल जाते हैं। रातों रात जब जगन्नाथपुरी निकल जाते हैं तो कृष्ण प्रेम भक्ति प्रतिष्ठा पूरी पछे गोड़ाइया, बोल रहे हैं कि जो कृष्ण प्रेम का जो प्रतिष्ठा है, जो प्रतिष्ठा को भक्त ठोकर लगा देते हैं, पैर से ऐसे ठोकर लगा देते हैं, उसी प्रतिष्ठा कृष्ण प्रेम के प्रतिष्ठा माधवेंद्र पुरी के पीछे 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 गया। अब भगवान जिसको प्रतिष्ठा देने चाहते हैं कौन उसको रोक सकते हैं, ये भी बात है।
तो इसीलिए सब चीज में एक एक ही बात पता चलता है, ठाकुर जी पहले से लेकर पूरा उनके जीवन चरित्र में अगर श्रवण करें तो ठाकुर जी इनके महिमा को जगत में प्रकाशित करना चाहते हैं, ठाकुर जी इनके महिमा को जगत में प्रकाशित करना चाहते हैं। और तीसरे बात, इन्होंने किस प्रकार के जो गोपाल जी को लाए, गोपाल जी को स्नान किया, अब महाराज जी बता रहे थे ना वहाँ पे अन्नकूट महोत्सव किया, तब वहाँ पे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि इन्होंने अन्नकूट किस प्रकार का किया। तो अन्नकूट बोलते हैं जिस प्रकार गोवर्धन गिरिधर, गोवर्धन लीला में जिस प्रकार कृष्ण को, जिस प्रकार कृष्ण के अनुमति से, कृष्ण के जो डायरेक्शन से जो ब्रजगोपियाँ किए थे, जो ब्रजगोपियाँ जिस भाव में गोवर्धन का उत्सव किया था और वहाँ पे जिस प्रकार का अन्नकूट का महोत्सव हुआ था, जैसे जैसे अन्नकूट बने थे तो उसी प्रकार का लीला यहीं पर माधवेंद्र पुरीपाद ने भी किया। उसी प्रकार बोलते हैं कि 10 ब्राह्मण, वहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि 10 ब्राह्मण मिलके रसोई बनाते हैं, 5 ब्राह्मण परिवार अमनिया करते हैं, सब्जी अमनिया करते हैं, और कोई बोलते, कोई तो कुछ लाते हैं, कोई दूध लाते हैं, कोई दही लाते हैं, कोई खीरा लाते हैं, कोई सुगंधित पुष्प लाते हैं, कोई तुलसी लाते हैं ठाकुर जी की सेवा में। जिस प्रकार ब्रजलीला में जो गोपियों ने जिस प्रकार गोवर्धन का पूजा किया था, गिरिराज जी का पूजा किया था, उसी प्रकार यहाँ पे सब ब्रजवासी आते हैं और उसी प्रकार पूजा करते हैं। पूरा का पूरा वो लीला को यहाँ पे प्रकाशित कर दिया। अब देखो वहाँ पे जैसे ब्रजगोपी ने पूजा तो किए, और पूजा करने के बाद क्या हुआ, ब्रजगोपी पूजा किए और पूजा करने के बाद साक्षात गिरिराज प्रकट हो जाते हैं। साक्षात गिरिराज प्रकट होकर क्या करते हैं वहाँ पे, साक्षात गिरिराज हाथ फैला के लेते हैं आनो कि मुझे दे दो, पूरा का पूरा सब ले लेते हैं। और सब लेने के बाद फिर बोलते हैं ब्रजगोपी, प्रभु आप सब ले लिए, अब हम क्या खाएंगे। तब ठाकुर जी कृपा दृष्टि करते हैं और पूरा का पूरा, जैसे ही कृपा दृष्टि करते हैं पूरा का पूरा ऐसे के ऐसे हो जाता है। तो ठीक ऐसे ही हुआ माधवेंद्र पुरीपाद जी के चरित्र में भी, ऐसे ही हुआ। पहले तो अन्नकूट किए और स्वयं गोपाल जी क्षुधार्त लैया गोपाल, बहुत दिन से क्षुधार्त थे, वहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं बहुत दिन से क्षुधार्त थे। तो ठाकुर जी ने सब खा लिए, सब खाने के बाद फिर से ठाकुर जी ने हाथ स्पर्श करके, जैसे ही हाथ स्पर्श किया वो सारे के सारे पहले से ही और दुगुना दुगुना तीन गुना पूरा भर गया। तो वो पूरा का पूरा जो ब्रजलीला को यहाँ पे इन्होंने प्रकाशित किया। तो ये जो तीन शिक्षा है, किस प्रकार उन्होंने नाम के रूप में विग्रह के स्वरूप, जो भगवान के विग्रह है उसको साधारण नहीं सोचना चाहिए, सब गड़बड़ी विग्रह के रूप में ही होता है। चार तत्वों को तो हम मान लेते हैं लेकिन विग्रह को मानना बड़ा मुश्किल है। देखो ये विग्रह, जो विग्रह के स्वरूप में बताया, ये विग्रह के स्वरूप में एक चीज बताया गया कि मान लो विग्रह किस प्रकार ठाकुर जी कलिकाल में जीव के लिए सुलभ है, जिस प्रकार कलिजुग में नाम तत्व सुलभ है उसी प्रकार विग्रह किस प्रकार सुलभ है। देखो मान लो किसी को बड़े जोर से प्यास लग रहा है, उदाहरण दे रहे हैं, किसी को बड़े जोर से प्यास लग रहा है, वो क्या करेगा, अभी पानी पिएगा निश्चित रूप में, और बोलेगा कि भाई मुझे प्यास लग रहा है मुझे पानी दे दो, और उसको बोला जाएगा कि भाई तुम चले जाओ मेघमाला में। और बात तो सही है, मेघमाला में तो पानी ही है लेकिन सुलभ नहीं है, उसको दिखाई दिया जाएगा ये समंदर है पी ले, तो बात तो सही है लेकिन वो पीने लायक ही नहीं है। लेकिन किसी ने आपको बोला कि मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगा है और तुरंत उसने एक्वागार्ड से पानी निकाला, नींबू डाल के शरबत बना के तुरंत आपको पकड़ा दिया और आप घटाघट पी गए, तो कौन सा सुलभ है, कौन सा सुलभ है, जो पिला दिया। तो यहाँ पे बता रहे हैं देखो, किसी से पूछेंगे उसी प्रकार ठाकुर जी कहाँ है, बोले नित्य धाम में है, जा सकते हो क्या, हर जगह विराजमान है, हम अपने आँखों से नहीं देख सकते, जड़ नेत्र से हम दर्शन नहीं करते हैं, नहीं देख सकते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि जब तक माया कृपा करके, माया देवी कृपा करके ये यहाँ पे जाल नहीं उठाएंगे आंखों के सामने तब तक दर्शन नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार हम देख भी नहीं सकते, ठाकुर जी सर्वत्र है, बात भी सही है, लेकिन किसी ने बोला हमको ठाकुर दे दो और ठाकुर जी के स्वयं जो विग्रह गुरु वैष्णव प्रतिष्ठा कर देते हैं, प्रतिष्ठा करने मात्र से ही वहाँ पे स्वयं ठाकुर जी विराजमान कर लेते हैं, क्योंकि वैष्णव के ठाकुर जी क्या बसीभूत होते हैं, वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, इसलिए स्वयं ठाकुर जी उसी विग्रह में आ जाते हैं। तो उसी विग्रह स्वयं ठाकुर जी के रूप में गुरुवर्ग प्रदान कर देते हैं, स्वयं ठाकुर जी को प्रदान करते हैं।
तो ये जो विग्रह तत्व के ऊपर इन्होंने शिक्षा दिया माधवेंद्र पुरीपाद, और प्रतिष्ठा को जो छोड़ने के बाद जो बड़े बड़े लोग भी छोड़ नहीं पाते ये भी शिक्षा दिया, और लीला को किस प्रकार ब्रज लीला को इन्होंने पुनः महाप्रभु के लीला में देखो, महाप्रभु के लीला पूरा ब्रज लीला ही है, तो पुनः इनके ये कौन है पहले ही बताया कि कृष्ण यदि पृथ्वी ते करे न अवतार प्रथमे करे न गुरु वर्गेर संचार, और पहले से ही इन्होंने महाप्रभु के गुरु वर्ग है माधवेश्वरपुरी सची जगन्नाथ अद्वैत आचार्य प्रकट हेल से ही साथ, तो इसी प्रकार इन्होंने महाप्रभु के गुरुवर्ग है, तो महाप्रभु आने से पहले ही इन्होंने वो जो महाप्रभु जिस भाव ब्रजलीला को देने के लिए आए थे वो पहले ही इन्होंने थोड़ा बहुत प्रकाशित कर दिया था, ये उनका महत्व है। तो उसी प्रकार आज उनका तिरुभाव तिथि है, और हमारे गुरुवर्ग का भी विशेष महत्व है कि हर मठ में विशेष रूप में इतना हरिकथा कीर्तन नहीं होता जितना हमारे मठ में होता है, ये हर मठ में इतना विशेष रूप में हरिकथा कीर्तन नहीं होता, और हर मठ में विशेष करके जो राधा रानी के बात हम भी श्रवण करते हैं, कहीं बैठते हैं कथा कीर्तन होता है, तो राधा रानी के जो भाव राधा रानी के बात महाप्रभु के जो विचार इतना नहीं बोला जाता है, लेकिन ये हमारे गुरुवर्ग के विशेष देन है कि हमारे ये बड़े सौभाग्य बात है कि हम सीधा सीधा यहीं जुड़ गए, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। और देखिए जैसे कि जिस प्रकार के हमारे गुरुदेव एक एम रख देते थे कि राधा दर्शन रूपानुगत्व का एक विचार रख देते थे, किस प्रकार हम रूपानुग है ये हमारे गुरुदेव किस एक एक चीज को बताए देते थे। एक समय के बात है श्री एक समय के बात है, एक ही चीज बता रहा हूँ बस, एक समय के बात है कि आपके शिष्य ब्रो हम तो आपके ही हमारे पूरी कौन कौन गए हैं पूरी में जो बड़दांड से एंट्री करने से पहले एक रेड कलर का बड़े सुंदर मठ है प्रभुपाद का जन्म स्थान, तो वहाँ पे प्रभुपाद के एक आश्रित कृष्ण के सब प्रभु वहीं पे रहा करते थे, तो वहाँ पे कथा कीर्तन किया करते थे, तो वहाँ पे जब कथा कीर्तन किया करते थे एक सिंघानिया प्रभु नाम का एक उनके भक्त थे, तो उन्होंने उनके एक छोटे बेटी थी विशाखा बोल के, तो सिंघानिया प्रभु और विशाखा ने हर समय आते हैं महाराज जी से कथा सुनते हैं, तो एक दिन सुबह सुबह कृष्ण केशव प्रभु पूज्यपाद कृष्ण केशव प्रभु ने विशाखा से पूछते हैं कि विशाखा तुमको कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो नहीं पूछना है तो मैं अपने तरफ से कुछ हरी कथा तुमको बता दूंगा। तब इसके बाद वो बोलते हैं वो तुरंत विशाखा बोलते हैं कि आप मुझे रूपानुग क्या है और रागानुग क्या है, रूपानुगत्य क्या है, राधा दास्यम क्या है, ये सब बताइए। तब महाराज ओ कृष्ण के सब प्रभु सोच में पड़ जाते, भाई इतने छोटे बच्ची पूछ रही है ये क्या पूछ दिया रूपानुग रागानुग, बड़े बड़े लोग भी बड़े बड़े समय तक हरी कथा सुनते लेकिन ये बात को पकड़ नहीं पाते, लेकिन ये छोटे से बच्ची पकड़ लिया। तब तब पूछते हैं वो कि सिंघानिया प्रभु आपके बेटी नारायण महाराज जी का संग करता है क्या, आपके बेटी नारायण महाराज जी का संग करता है क्या। बोलते हैं गुरुजी अभी अभी तो हम मथुरा से ही आए हैं। बोलते हैं प्रभु जी अभी अभी हम मथुरा से ही आए हैं। तो इसी प्रकार जैसा संग है उसी प्रकार का रंग है। एक समय के बात है श्री कृष्ण चैतन्य मिशन के आचार्य ओम विष्णुपाद भक्ति शोधक केशव गोस्वामी महाराज जी हमारे मठ में आए थे, तो हम उनके रात्रिकालीन सेवा तो इतना नहीं बता सकते, रात की जो प्रसाद सेवा मेरा था तो मैं प्रसाद दिया, तो महाराज जी बहुत सारे ग्रंथों को ऐसे छांट रहे थे फेंक रहे थे, तो हमने बोला आप क्यों फेंक रहे हैं, बोले हमको कुछ अच्छे से ग्रंथ दिखाओ, तो एक ग्रंथ दिखाया हमने बोला कि ये तो रूप गोस्वामी के बारे में यहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर बात बताया गया है, तो महाराज जी बोलते हैं ये सब ग्रंथ बेकार है, इसको अगर तुम्हारे गुरुजी रसानंद, ये बात उनके पूरा मुखारविंद से उन्होंने ये वाणी है उनका, ये बोले कि ये ग्रंथ अगर तुम्हारे गुरुजी रसानंद लिखते हैं ना तब उसमें ज्यादा रूप गोस्वामी का महिमा पूरा स्पष्ट रूप में वर्णना करते। बोले क्यों, बोले किस चीज के लिए, बोले किस चीज के लिए, क्योंकि वो नारायण महाराज जी से शिक्षा लेते हैं, और जैसे शिक्षा वैसे उसी प्रकार का संग, जैसे संग वैसे रंग होता है, तो इसी प्रकार का। और हमारे गुरुजी बोलते हैं ना
कि हर समय गुरुजी एक बात बोलते हैं कि हमारे मटके जो ब्रह्म सन्यासी को तो छोड़ो, हमारे मटके ब्रह्मचारी में भी उसी प्रकार, जैसे एक समय हमारे उड़ीसा में कई बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, शायद एक गांव है ओलोकना नाम का, तो नहीं एक गांव है, तो उसमें एक नाम हट्टो प्रोग्राम हो रहा था, तो हम लोग वहीं पे गए थे, तो वहाँ पे तुरंत ही पता नहीं कुछ रूप गोस्वामी के महिमा के बारे में पता चला कि रूपानुगो क्या है, रागानुगो क्या, डिस्कशन होता है ना कि क्या रूपानुगो है क्या रागानुगो है, क्या बोल दिया, तब तुरंत करके एक व्यक्ति ने बोला कि झट करके बंसीवदन प्रभु को कॉल करो, क्योंकि उनको पता होगा वो नारायण महाराज जी का शिष्य है। तो इसी प्रकार का गुरुदेव का एक वैशिष्ट है, गुरुदेव का एक वैशिष्ट क्या है, गुरुदेव हर एक एक के हृदय में क्या रूप गोस्वामी ने जो हमको रूपानुगत्य धारा, क्या राधा दास्यम के धारा, क्या हम राधा दास्यम जो इतने बड़े चीज जिसको समझना बड़ा मुश्किल है, वो एम को गुरुजी पहले ही क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे को गुरुदेव, बच्चे लोगों को देखते हैं गुरुदेव बोलते हैं कि हम बोलो हमारा उद्देश्य क्या है, तो बहुत सारे लोग बहुत बात बोलते हैं लेकिन गुरुजी बोलते हैं ये हमारे उद्देश्य नहीं है, हमारे उद्देश्य राधा दास्यम है। तो उसी प्रकार उसी गुरु परंपरा में हम आए हैं और उसी गुरु परंपरा में हम इधर उधर भटके नहीं, हमारा वह भाग्य है नवदीप धाम में आए और उसी गुरु परंपरा में आए, भक्तिवान श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी, भक्तिवान हमारे गुरु जी के अनुगत्य में, हमारे परम गुरुदेव प्रभुपाद के अनुगत्य में यहाँ पे आए हैं, उसी भाव को जो गुरु जी कम से कम इच्छा, जैसे हमारे संजय प्रभु हर समय बोलते हैं इच्छा प्रकाश करना चाहिए, लोभ आशा जो दिखा देते हैं हमारे गुरुवर्ग, तो गुरुवर्ग हमारे ऊपर नित्य कृपा करे और हमारे जैसे बद्ध जीव के ऊपर नित्य कृपा करते हुए आशा को थोड़ा बहुत हमारे हृदय में प्रकाशित कर दे, ताकि हमारे हृदय में भी वो आशा प्रकाशित हो जाए और गुरु वैष्णव के अच्छे रूप में सेवा कर पाए, ये सब प्रार्थना के साथ बांछा कर कृपा। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागणरघुनाथनुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सागणललिता श्रीविशाखान्तांश्च हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत शिष्य भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति विद्वान श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुग गौड़िया गुरुवरों की मेरी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी, पूज्यपाद विजय कृष्ण प्रभु, पूज्यपाद संजय प्रभु, समस्त वैष्णव वैष्णवी ब्रह्मचारी माताजी सबको मेरी यथाजोग्य दंडवत प्रणाम। हमारा परम सौभाग्य है कि हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में नवदीप धाम परिक्रमा कर रहे हैं। धाम परिक्रमा के विषय में हमारे गुरु महाराज जी बताते थे कि परिक्रमा शब्द का अर्थ क्या है। परिक्रमा शब्द दो भाग में विभक्त होता है, एक परि एक क्रमा। परि अर्थात संपूर्ण रूप से और क्रमा अर्थात क्रम से। संपूर्ण रूप से हम जो क्रम को पालन करते हैं, कौन सा क्रम को पालन करते हैं, प्रहलाद महाराज ने बताए जो भक्ति है 64 भक्ति अंग है, उनमें से भी नवदा भक्ति अंग उनमें से श्रेष्ठ है। कौन सा नवदा भक्ति? श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद चरणम पाद सेवनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मम निवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चत नवरक्षण। ये जो जो नवदा भक्ति के विषय में बताया गया, हमारे गुरु महाराज वर्णन करते थे जिस प्रक्रिया के द्वारा हमारा इस नवदा भक्ति का बड़ा ही अनायास से पालन हो जाता है, उस प्रक्रिया का नाम है परिक्रमा। जैसे हम लोग जैसे परिक्रमा में यहाँ आए हैं, श्रवणम साधुओं से कथा सुन लेते हैं,
कीर्तन भी कर लेते, स्मरण भी हो जाते, पाद सेवन भी होते, इसी प्रकार की नवद भक्ति अंग का हमारा पालन हो जाता है यहाँ। इसीलिए इसी परिक्रमा का इतना महत्व है। और विशेष करके नवदीप धाम परिक्रमा का क्यों महत्व है, जैसे महाराज जी से हम लोग श्रवण करते थे, अगर हम लोग वृंदावन धाम परिक्रमा करेंगे तो केवल मात्र हमको वृंदावन धाम परिक्रमा का ही फल मिलेगा, किंतु अगर नवदीप धाम परिक्रमा करते हैं तो किन का फल मिलेगा? वृंदावन धाम का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ नवदीप धाम परिक्रमा का ही फल मिलेगा। और नवदीप धाम में सारे तीर्थ हैं, ये तो गौण रूप से यहाँ है। और जिस प्रकार की पूज्य बात तमाल भी बता रहे थे और हमारे गुरुदेव बताते थे ना कि हम लोग का जो लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? राधा दास्यम। और इस राधा दास्यम को प्राप्त करने के लिए जो सबसे सरल तरीका है वो क्या है, उसके विषय में कुछ ही दिन पहले आप लोग अगर गुरुदेव शिला गुरुदेव हरि कथा एक ग्रुप है सेंटिनल टीम ने जो बनाए, उसमें से कथा आया था, आप लोग अगर सुने होंगे, उसमें शिला गुरुदेव इसी बात को ही वर्णन करते थे, इसी श्लोक को व्याख्या करते थे, यथा यथा गौर पदार विंदे बिंदे भक्ति कृतपुण्य राशि तथा तथा उत्सर्पति हृदय अकस्मात राधा पदाम्बुज सुदाम्बु राशि। अर्थात जितने जितने परिमाण में हम लोग का हृदय में महाप्रभु के प्रति भक्ति जागृत होगा, उतनी उतनी परिमाण में हम लोग का हृदय में अकस्मात अर्थात अनायास ही राधारानी के चरण में निष्ठा उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि महाप्रभु है कौन? राधा भाव द्युति सुबलित, राधारानी की भाव को ही लेकर के आए हैं। इसीलिए स्वाभाविक रूप से चैतन्य महाप्रभु के चरण में जिसकी निष्ठा होगा, स्वाभाविक रूप से उनका क्या, राधारानी के चरण में ही निष्ठा हो जाएगा। इसलिए नवदीप धाम परिक्रमा करने से हमारे इतने सारे लाभ होते हैं। और हमारा गुरु महाराज जी वर्णन करते थे कि नवदीप धाम परिक्रमा करें कैसे। एक होता है कि इसकी करने का जो उपाय है वो कैसे, गुरु जी बताते थे हमारे गुरु महाराज जी श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कि हमारे गुरुवर्ग नरोत्तम दास ठाकुर ने अपना कीर्तन रचना किया है, तीर्थयात्रा परिश्रम केवल मनिर्भ्रम सर्व तीर्थ गोविंद चरणे। जो तीर्थयात्रा जो करते हैं, जो लोग, हम लोग तो साधुओं के संग से तीर्थयात्रा करते हैं, कुछ लोग हैं जैसे गंगा सागर जाना, इधर जाना उधर जाना, अपने घर परिवार को लेकर जाते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं केवल मनिर्भ्रम, केवल उनका भ्रम है कि तीर्थयात्रा करने से हमारे कुछ लाभ होगा। लाभ कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? लाभ होगा, क्यों नहीं होगा? लाभ होगा। जैसे हमारे गुरु महाराज वर्णन करते थे कि बोलते थे कि थोती कूटने से कोई लाभ होता है, हम लोग पढ़ते हैं ना, सुनते उदाहरण से, गुरु जी बोलते लाभ होता है। क्या लाभ होता है? थोती कूटने से हमारा पसीना निकलता है ना, हमारा मेहनत हो जाता है, बड़ी बन जाते हैं। तो इस प्रकार के लाभ होगा। हम लोग अगर तीर्थयात्रा अगर करेंगे अपने आप से तो क्या होगा? कुछ भी लाभ नहीं होगा, अर्थात बहुत कम लाभ होगा। अर्थात तीर्थयात्रा करनी नहीं चाहिए, तो फिर हम क्यों तीर्थयात्रा कर रहे हैं? उसके उत्तर में इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर दे रहे, गुरु महाराज वर्णन करते थे, भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे, गौर अमार जे सब स्थाने करील भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरिवामी प्रणयी भक्त संगे। अर्थात हम लोग तीर्थयात्रा करेंगे, धाम परिक्रमा भी करेंगे, किंतु कैसे करेंगे? साधारण लोगों जैसे नहीं करेंगे, हम लोग प्रणयी भक्त की संग से करेंगे। प्रणयी भक्त किसे कहते हैं? जिनकी हृदय में राधा कृष्ण के प्रति, जिन जिन धाम को दर्शन करने के लिए जाते हैं, उस धामेश्वर जो महाप्रभु है, वो जो भगवान के प्रति जिनके हृदय में प्रीति है, उनको बोलते हैं प्रणय भक्त। प्रणय भक्त के साथ जाने से क्या लाभ होता है? गुरुजी हमारा एक उदाहरण बताते थे, एक बार संभवतः 1956 में से हमें हमारे परम गुरु महाराज जी श्री श्रीमद् शिला भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी, एक बार उनके साथ हमारे गुरु महाराज भी ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे, तो मथुरा में जब आदि केशव मंदिर में जब पहुँचे तो वहाँ हमारे परम गुरु महाराज जी कीर्तन किए, ओरे ब्रजवासी तोरा बोले दाओ कोथा गेले कृष्ण पावो, कि हे ब्रजवासी आप लोग मुझे बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाने से मुझे कृष्ण प्राप्त होंगे, ये उस कीर्तन का अर्थ था। किंतु परम गुरु महाराज जी जहाँ वो कीर्तन करते थे, वो कीर्तन के आसपास जितने सारे लोग थे वो सारे हिंदी भाषी थे, जैसे हम लोग यहाँ सब लोग हिंदी भाषी, बहुत कम लोग ही होंगे जो बंगाली समझते होंगे, लेकिन उस समय वो लोग सारे पंजाबी थे, उनमें से कोई भी कीर्तन को समझते नहीं थे। उसको ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ, हमारे गुरु महाराज जी बताते थे, उनकी बात बोल रहा हूँ, जो गुरु जी बोलते थे कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं था जो कीर्तन समझता था, किंतु मैंने देखा कितने सारे माता जी लोग थे जो रो रहे थे इस बात को श्रवण करके। अरे कीर्तन का अर्थ तो समझ में नहीं आता तो रोना क्यों? अब परम गुरु जी भी तो रो ही नहीं रहे थे, वो कह कीर्तन कर रहे थे, तो उनकी बात सुनकर के रोना क्यों है? वो माता जी ने कुछ समय के बाद आकर के, एक महाराज जी थे शिला भक्ति शिला प्रभुपाद के एक शिष्य थे, उनसे एक माता जी ने प्रश्न पूछे कि महाराज जी अभी हमारे गुरु महाराज जी जो कीर्तन कर रहे थे उसका क्या अर्थ था? तो
तो महाराज ने बताया, उसका ये अर्थ था कि हे ब्रजवासी आप लोग बताओ मैं कहाँ जाऊँ तो कृष्ण को पाऊँ। तो वो माता जी बोले महाराज जी अभी ना वो कीर्तन का अर्थ को सुन करके जितना आनंद नहीं आ रहे हृदय में, उस समय जब गुरु महाराज जी वर्णन करते थे तो इतनी आनंद आता था, पता नहीं क्यों हमारा आंखों से आंसू निकलता था। तो इसके क्या अर्थ है, हमारे गुरु महाराज जी वर्णन करते हैं जिनके हृदय में वो विरह भाव है, जब हम उनसे वो कथा सुनते तो ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में वो विरह भाव ही आ जाते। गुरु जी उसके लिए उदाहरण देते थे, बोल रहे थे एक माता जी है, उनका बेटा मर गया, छोटा बेटा 5 साल का बेटा था, मर गया है, हमको नहीं पता, हम बाहर से ही जा रहे हैं, वो माता जी का बेटा मर गया है, वो माता जी रो रही है, और हम लोग उस घर दे करके चले गए, आगे थोड़ा चले गए और दूसरे घर आया, वहाँ भी एक माता जी रो रही है, लेकिन उसके माता जी का बेटा मर ही नहीं, वो नाटक करके रो रही है। अभी इन तो दोनों माता जी जो रोना है हमको कुछ हमारे ऊपर कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, हम जब जाएंगे जिस माता जी का बेटा सचमुच में मर गया है वो जब रोएगी उसका हमारे हृदय में जितना प्रभाव पड़ेगा, एक दूसरी माता जी है जिसका बेटा मरा नहीं है वो नाटक करके रो रही है, जब उसका रोना हम सुनेंगे हमारे हृदय में क्या उतना प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, चाहे हमको पता भी नहीं है उसके माता, ये प्रैक्टिकल है, आप लोग अगर हम लोग अगर देखें, चाहे हमको पता भी नहीं है कि इनका पुत्र है भी है उनका पुत्र है भी नहीं है, और नहीं पता होने पर भी वास्तविक रूप स्वाभाविक रूप से जिसका हृदय से जो क्रंदन आता है जब हम उनके पास में रहेंगे तो क्या होगा, हमारे हृदय में वो भी प्रतिफलित होगा। इसीलिए साधु संघ के साथ धाम परिक्रमा की विधि है, नहीं तो धाम तो हम भी जा सकते हैं गाड़ी से, इतना कष्ट करके धूप में जैसे पैदल चल करके क्यों जाना, हम लोग गाड़ी से आकर के करके चले जाते फ्री में, किंतु नहीं, हम गाड़ी से करने पर हमारे हृदय में जितना प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर साधु संघ के साथ करेंगे परिक्रमा तब हमारे हृदय में प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज वर्णन करते थे अगर धाम परिक्रमा तो इतनी लाभ है, लेकिन लाभ तब है जब हम साधु संघ के साथ करेंगे, नहीं तो हमारा कोई लाभ नहीं होगा। यही कहकर मैं मेरा वाणी को सौंप करता हूँ। वांछा कल्प तरीके कृपा सिंधु भाई बच्चा पतितानम पावन भ्यो वैष्णव भ्यो नमः। आज खड़े हो जा, गौर से खड़े हो जा, खड़े हो जा, खड़े हो जा, जल्दी जल्दी इधर आओ, चल मंदिर दौड़ी मटे में खाते और सोते हाँ इधर चल दिया। अज्ञान ते मेरे अंधे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम राम। जो हमारे अंदर आ जाइए, जो पास वाले में बड़ा स्पेस है दया अंदर आ जाइए, जो आगे बैठे उनमें सब खत्म हो जाए, कमी है। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परम आराधितम श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज एवं समस्त रूपानु गुरुवर्ग के चरणों का आश्रय लेते हुए यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। हम लोग श्री नवदीप धाम में एकत्रित होकर और आज चतुर्थ दिन हमारा परिक्रमा का संपन्न हुआ है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी नए लोग भी आए हैं, तो मन में ऐसा जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का अवतार है स्वयं कृष्ण सचिनंदन गौर हरि के रूप में कलयुग के अंदर अवतरित हुए हैं किस कारण को लेकर, तो उन कारण के विषय में कुछ बोलने का मैं प्रयास करूंगा। किसी भी श्रीमन महाप्रभु जो इस नवदीप में अवतरित हुए हैं शची माता और जगन्नाथ मिश्र को आश्रय लेकर, तो उनके कुछ मुख्य कारण बताए हैं और कुछ गौण कारण बताए हैं। मुख्य कारण का वर्णन करते हुए कहते हैं यहाँ पर कि जब ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर अपने धराधाम इस अपनी लीला को संवरण करके जब निज धाम गोलोक में चले गए तो उनकी कुछ इच्छाएं अपूर्ण रह गई। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण एई दूज कार्य होते तहार उद्गम, कि कृष्ण कौन है, वे रसिक शेखर हैं, उन्होंने सब रसों का तो आस्वादन किया किंतु श्रीमती राधा रानी का जिस प्रकार का प्रेम है कृष्ण के प्रति उसको वे आस्वादन करना उनके नहीं हुआ। कैसे, यहाँ पर प्रेम सरोवर की लीला के माध्यम से समझाते हुए कह रहे हैं
कि जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण के गोद के अंदर लेटी हुई है प्रेम सरोवर पर, वहाँ पर राधा रानी के चरण कमल के माधुर्य का आस्वादन करते हुए जब एक भ्रमर आया तो कृष्ण ने उस मधुमंगल को इंगित करके उस भ्रमर को भगाने के लिए कहा। जब वह भ्रमर को मधुमंगल ने भगा दिया, पुनः आकर कृष्ण से कहते हैं कि मधुसूदन भाग गया, मधुसूदन भाग गया। कृष्ण का एक नाम मधुसूदन है, किंतु श्रीमती राधा रानी ने जब ये बात सुनी मधुसूदन भाग गया तो उन्हें लगा कि वह कृष्ण अभी दूर चले गए हैं। वे स्वयं कृष्ण की गोद में ही अपना सिर रखकर लेटी हुई हैं, फिर भी उन्हें कृष्ण के विरह का इतना ज़्यादा अनुभव हुआ कि वहाँ पर उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो गए और वे मूर्छित हो गई। अभी यहाँ प्रश्न उठता है कि यहाँ श्रीमती राधा रानी तो स्वयं कृष्ण की गोद में ही लेटी हुई थी और केवल एकमात्र उन्होंने सुना कि मधुसूदन चला गया, कृष्ण चला गया, तो ऐसा क्या कृष्ण यहाँ पर जब राधा रानी की इस दशा को दर्शन कर रहे हैं तो वे सोच रहे हैं कि ऐसा क्या श्रीमती राधा रानी के अंदर भाव है कि इन्होंने केवल मात्र इनको इतना सुनाई पड़ा कि मैं कहीं दूर चला गया हूँ, मेरा विरह यद्यपि हुआ नहीं है लेकिन सिर्फ उसके अनुभव मात्र से ही इनके विरह में ऐसी दशा हो गई है, तो ये कौन सा भाव है, मैंने तो कभी ऐसा भाव को आस्वादन नहीं किया। ये पहला कारण बता रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी का जो कृष्ण के प्रति भाव है, उस भाव सेवा से, जो जैसे गुरुदेव किस उदाहरण के माध्यम से बताते हैं, जब माताएं रसोई बनाती है, रसोई बनाने के बाद में यदि पति और अपने पुत्र उससे बड़े चाव से खाएं और खाकर बड़ी तारीफ करें तो वो माँ क्या सुनती है, उस तारीफ को सुनकर ही बड़ी आनंदित हो जाती है, भले ही उसने प्रसाद उनके लिए ना रहा हो, लेकिन अगर पति कहे कि वाह तुमने बड़ा स्वादिष्ट बनाया है तो इस मधुर वचन को सुनकर ही उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐसे ही श्रीमती राधा रानी को कृष्ण की सेवा करके जो सेवा सुख से आनंद प्राप्त होता है वो क्या है, उसको कृष्ण आस्वादन नहीं कर पाए, और क्योंकि वे रसिक शेखर हैं, वह उनकी इच्छा है सब रसों को आस्वादन करने की, इसलिए ये एक इच्छा रह गई। दूसरा बता रहे हैं कि श्री राधाया प्रणय महिमा की दृश्योवा ये आस्वादो ये न अद्भुत मधुरिमा की दृश्योवा मदीय, कि मेरी रूप माधुरी कैसी है। कृष्ण जब स्वयं अपने आप को मणि स्तंभ में देखते हैं तो कृष्ण स्वयं आकर्षित हो जाते हैं। कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद क्या कहते हैं, स्मेरांग भंगिस्त्रय सांची विस्तीर्ण दृष्टिम वंशी न्यस्त अधर किशलाम उज्ज्वल चंद्रकेन, कि कृष्ण का स्वरूप कितना सुंदर है कि गोविंद देव का स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भूल के भी कोई वृंदावन धाम में मत जाना, केशी तीर्थ पर मत जाना, केशी तीर्थ पर भी अगर चले गए हो तो वहां पर गोविंद का विग्रह है उसका तो दर्शन भी मत करना, अगर गोविंद विग्रह का दर्शन कर लिया उनकी जो मीठी मुस्कान है, उनके जो बड़े बड़े विशाल नयन है, उनकी मुरली ध्वनि, मुरली की तरफ देखना भी मत, अगर उसको देख लिया तो क्या होगा, संसार गृहीर जेगो है सर्वनाश। कृष्ण का सुंदर स्वरूप सुनके क्या आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथापि उरुक्रमे, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्म ज्ञानी भी कृष्ण के सुंदर स्वरूप से आकर्षित हो जाते हैं। कृष्ण के स्वरूप को देखकर हम लोगों ने श्रवण किया ना, इन योगी मुनियों की तो बात ही छोड़ दो, जब द्वारका में एक ब्राह्मण के पुत्र होते ही मर जाता था, अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं उस ब्राह्मण पुत्र की रक्षा करूंगा, बाद में जब वो ब्राह्मण पुत्र भी लास्ट में मर गया अर्जुन के सुरक्षा कवच बना देने के बाद भी, उसका कारण क्या पता चला कि स्वयं वैकुंठ पति नारायण जो है उन नारायण ने द्वारकाधीश के स्वरूप का दर्शन करने के लिए ही उन बच्चों को मारा था। तो कृष्ण का स्वरूप इतना आश्चर्यचकित इतना सुंदर है, कृष्णेर माधुर्य देखी वासुदेवेर क्षोभ, कि वासुदेव स्वयं उसको देखने के लिए लालायित रहते हैं, और कृष्ण स्वयं भी अपने आप को जब मणिस्तंभ में देखते हैं, मणिस्तंभ में देखकर सोचते हैं कि ये महापुरुष कौन है, ये इतने सुंदर कौन है, इतना त्रिभंग ललित स्वरूप, उनके घुंघराले केश, विशाल नयन, और उसमें भी तारतम्य बताते हुए कह रहे हैं यहाँ पर मथुरेश कृष्ण, द्वारकेश कृष्ण और जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की माधुर्य तो इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ है। गोपियां जिसे बड़े सुंदर श्लोक में बताती है वेणु गीत में, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वास कनक कपिशयम वैजयंतिम चमालम रंध्रान वेणु अधर सुदय पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम श्वपद रमणम प्राविशेष गीत कीर्ति। जब श्री कृष्ण गौचारण से पुनः आ रहे हैं तो उनका कितना सुंदर स्वरूप है, आगे सारी गायें चल रही है, उसके पीछे सखा है और गाय सबसे पीछे कृष्ण बलराम चल रहे हैं, और कृष्ण के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए कह रही हैं गोपियां मनी मन चिंतन करते हुए कि उनके गाय के खुर से जो धूल उड़ रही है, धूल से कृष्ण का श्रीअंग अभिषिक्त हो रहा है, उनके घुंघराले घुंघराले केश हैं, उन्होंने अपने सिर पर मयूर पुच्छ धारण कर रखा है, हाथ में मुरली है, पीताम्बर पहने हुए हैं, गले में वैजंती माला है, इतना सुंदर स्वरूप देखकर हर कोई आकर्षित हो जाता है। इसलिए बता रहे हैं कृष्ण की एक इच्छा क्या रह गई कि ये मेरे सुंदर स्वरूप कैसा है,
ये सुंदर स्वरूप कैसा है और मेरी सेवा करने से श्रीमती राधा रानी को कैसा अनिर्वचनीय सुख प्राप्त होता है। ये तीन मुख्य कारण बताए, जो पहला कारण बता रहे हैं ना मुख्य कारण, उस मुख्य कारण के अंदर तीन कारण बताए कि ये न अद्भुत मधुरिमा किदृशवा मदीय सौख्यन चास्या मद अनुभवतः किदृशम वेति लोभात। उसके बाद में दूसरा कारण बता रहे हैं, जैसे पहला कारण हो गया मुख्य, मुख्य क्या मुख्य बता रहे हैं ये तीन, अभी बता रहे हैं गौण कारण। गौण कारण क्या है, कल हम जहाँ गए थे अद्वैत आचार्य के स्थान पर शांतिपुर में, वहाँ पर श्री अद्वैत आचार्य ने जब कलयुग के जीवों की दुर्दशा देखी तो इस दुर्दशा को देखकर उन्होंने क्या किया, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा विकृणीते स्वयं आत्मनम प्रभु, कि बता रहे हैं कि उन्होंने जब जीवों की ऐसी बद्ध दशा देखी उस समय पर तुलसी दल और गंगा जल से भगवान को आवाहन किया और भक्त के आवाहन पर भगवान को इस जड़ जगत में अवतरित होना ही पड़ा, तो इसलिए इसको बताया ये मुख्य कारण है। इसको भी मुख्य कारण में लिया गया है, क्यों, क्योंकि प्रभु इतने भक्त वत्सल हैं कि अपने भक्तों की पुकार पर उनको स्वयं आना ही पड़ेगा। फिर तीसरा कारण जो गौण कारण है, गौण कारण का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अनर्पित चरम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, कि श्रीमन महाप्रभु इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं किस लिए, अनर्पित चरम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो, जो जो कृष्ण प्रेम इतना अमूल्य रत्न है जो काफ़ी लंबे समय से कभी दिया नहीं था जगत जीवों के लिए, जो इतना दुर्लभ था, और कृष्ण प्रेम ही नहीं उसके भी माधुर्य भाव अर्थात उसके सौंदर्य श्री भाव जो श्रृंगार रस है उसको प्रदान करने के लिए श्रीमन महाप्रभु आए। यद्यपि कलयुगेर धर्म है नाम संकीर्तन एतत् अवतीर्ण है श्री कृष्ण चैतन्य, कि कलयुग का युग धर्म क्या है, नाम संकीर्तन है, नाम संकीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र इसका प्रचार करने की की पावर श्री अद्वैत आचार्य में भी थी, भगवान का कोई भी विष्णु अवतार इस नाम संकीर्तन का प्रचार कर सकता है, किंतु ये गोपी भाव और उसके अंदर भी श्रीमती राधा रानी का भाव और उसमें भी जो मंजरी स्वरूप है इसको प्रदान करने के लिए साक्षात ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर को राधा भाव दुति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, राधा रानी की अंगकांति और उनके भाव को लेकर इस धराधाम पर आना पड़ा। और इसका चौथा कारण बतलाते हुए कह रहे हैं, साधारण कारण जो गीता में बताया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम्। तो इन चार कारों का इन कारणों का निरूपण करने के बाद में बतला रहे हैं कि ये ही कृष्ण शचिनंदन गौर हरि के रूप में कलयुग के अंदर आए और कलयुग के अंदर क्या आए, श्रीमती राधा रानी के भाव और अंग कांति को लेकर आए। अब यहाँ प्रश्न उठता है, श्रीमती राधा रानी के भावों को आस्वादन करना था इसलिए उन्होंने भाव तो उनसे उधार लिए, अंग कांति की क्या आवश्यकता थी, तो यहाँ पर उसका उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि श्री राधा रानी जब कृष्ण की सेवा और कृष्ण के विरह में उनके हृदय में जो सारे भाव प्रकाशित होते हैं, जो उनके अष्ट सात्विक विकार होने के बाद में जो अंतिम अवस्था है मदनाख्य महाभाव, वहाँ पर उनकी ऐसी अवस्था हो जाती है कि वे स्वयं पछाड़ खा खा कर गिरते हैं, क्योंकि कृष्ण बहुत ही परम करुण है और उनका बड़ी ही सुकोमल अंग कांति है, तो श्रीमती राधा रानी ने स्वयं अपनी अंग कांति उनको प्रदान करी, क्यों, क्योंकि जब वे श्रीमती राधा रानी के भावों का आस्वादन करेंगे और ऐसी पछाड़ खा कर कर गिरेंगे तो उनकी श्रीअंग को कोई हानि ना हो, इसलिए श्रीमती राधा रानी ने अपनी अंग कांति कृष्ण को प्रदान करी और उसी को ही लेकर श्रीमन महाप्रभु ने क्या किया, गंभीरा में रहते हुए उन्हीं सब भावों का आस्वादन किया और इसीलिए श्रीमन महाप्रभु यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। यही कह के मैं अपने मान को विराम देता हूँ। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद, बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम में मेरा परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनको अहेतु कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात
नित्यलाभ पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्त्री श्रीमद भक्तिवेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज शिक्षा गुरुपाद पद्म विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्त्री श्रीमद भक्तिवेदांत शिल बोधायन महाराज उपस्थित भक्तवृंद वैष्णव वैष्णवी सतीर्थ गुरुभ्राता वृंद सबके चरण में अधम की जतादर दंड प्रणाम स्वीकार। तो गुरुदेव की आज्ञा ही कुछ कथा श्रवण कराने के लिए सर्वप्रथम तो श्रोताओं का बड़ा महात्म्य, भाई इतने समय तक बैठे हो और इतने सारे वक्ता बोल रहे, मेरा तो कमर दर्द हो गया, मैं इधर इधर हो के मैं किसे भागुआ भागुआ सोच रहा था गुरु जी फिर बोले कथा बोलो। तो बोलो श्रोतागण की, वक्तागण की भाई जय, बड़ा अच्छे अच्छे कथा सुना रहे। तो गांव में भागवत कथा होता है तो गांव के लोग तो दिन भर खेती करने के लिए जाते हैं और रात में आके भागवत कथा श्रवण करेंगे। तो वो कथा श्रवण के समय क्या देखते, कहाँ दीवार है, थोड़ा बैठेंगे कि दिन भर परिश्रम हुआ है। तो एक बूढ़े बाबा था, वो क्या किया, आगे एक जो चौतरा होता है ना, चौतरा वृंदा देवी, तो उसके ऐसे कमर करके सो गए, ऐसे बैठा है और दिन भर परिश्रम, इसके लिए आलस्य, तो मुँह दांत कुछ नहीं था, मुँह खोल के ऐसे बैठा है कथा श्रवण करने के लिए और नींद आ गया। तो कुत्ते के स्वभाव होता है तो फिर वो क्या होगा पता होगा। फिर बाद में जब उनको पूछा, अरे भाई भागवत कथा कैसे लगा, बोला कि नमकीन नमकीन लगा। ये चुटकुला इसके लिए सुना है कि नींद ना लगे। तो आज परम पवित्र तिथि है कि हमारे भक्ति प्रमोद श्रील पुरी गोस्वामी महाराज का संन्यास दिवस है। तो श्रील पुरी गोस्वामी महाराज का हमारे जो गुरुदेव उनके साथ बड़ा एक छोटा ही चरित्र श्रवण करा रहा हूँ। तो जब श्रील गुरुदेव हमें अभी ये बात जब गुरुदेव बताते हैं तो कोई कुछ कुछ लोगों ने जाके, उस समय तो बड़ा सीनियर थे भक्ति प्रमोद श्रील पुरी गोस्वामी महाराज, वो लोग जाके क्या किए ना, महाराज से कंप्लेंट किए, बोले कि जो नारायण महाराज है ये हर समय ये राधा रानी की महिमा को वर्णन कर रहे, मगर ये वही गौड़ी मठ है जिसमें श्रील प्रभुपाद ने दशम स्कंद की कुछ निर्दिष्ट अध्याय तक पाठ करने के लिए बोले थे। क्यों? क्योंकि सहजिया ना होने का भय से, सहजिया होने का भय से क्या किए थे, जो महाराज से हम लोग का प्रवेश नहीं है, महाराज श्रवण करने से हमारा काम विकार उत्पन्न होता है, तो इसलिए पाठ करने के लिए प्रभुपाद ने बारण किए थे। मगर नारायण महाराज क्या कर रहे, हर समय वही राधा रानी की महिमा, राधा रानी के भाव, इसको ही वर्णन कर रहे। तो श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जो आखिर के शब्द जो बोले थे हमारे गुरुदेव के लिए, उसको ही बस बोल रहे हूँ। तो श्रील महाराज बताते कि मैं श्रील नारायण गोस्वामी महाराज को अच्छे तरह से जानता हूँ, वो गुरु परंपरा एवं गुरु अनुगत्य को त्याग करके नूतन कुछ नहीं करेंगे, और अधिकारी व्यक्ति अगर ऐसा कुछ आलोचना या समालोचना करते हैं तो इसमें जागतिक जगत के लोगों का मंगल ही होता है, कभी अमंगल नहीं होता है। तो इसको समझाने के लिए श्रील पुरी महाराज एक बात बताए, बोले कि जैसे कि श्रील सुखदेव गोस्वामी बाद ने क्या किए, भागवत किए, तो उस समय जितने सारे वहाँ श्रोता थे सब क्या परम वैष्णव थे क्या, वहाँ ज्ञानी थे, योगी थे, वहाँ कर्मी भी थे। क्योंकि जब श्रील परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए, बोले भाई हमारा उद्धार कैसे होगा, कुछ कुछ बोले जाओ हवन करो, कुछ कुछ बोले जाओ तपस्या करो, मगर श्रील सुखदेव को स्वयं ने क्या किए, बोले कि नहीं, जब उनको श्रवण कथा श्रवण कराए तो फिर सारी की सारी ज्ञानी योगी कर्मी सब उनसे श्रवण किए। तो इससे क्या हुआ, जो भागवत की प्रारंभ हुआ वो भागवत क्या सब लोगों का कल्याण ही किया। अरे उस समय तो उनका परीक्षित महाराज का 7 दिन के बाद उनका उद्धार हो गया, उस समय की बात छोड़ो, अभी भी जो भागवत की श्रवण करे उनका भी कल्याण हो रहा है। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पाद भाई अधिकारी थे, अधिकारी व्यक्ति अगर ऐसा आलोचना या समालोचना करे तो किसी का अमंगल नहीं होता है, बल्कि उस कथा के प्रति हमारा श्रद्धा उत्पन्न होता है। ठीक उसी तरह श्री हमारे गुरुदेव ने क्या किए, ये सारी की सारी जो राधा रानी की जो दास्य भाव, राधा रानी की दास्य की महिमा है, उसको जो क्या श्रवण कराते करते क्या हो गए ना, हमारे अंदर वो लोभ को उत्पन्न कराए। तो ये जो चीज श्री जो भक्ति प्रमोद श्रील पुरी गोस्वामी महाराज ने क्या किए है ना, ये गुरुदेव को रेकमेंडेड किए कि वास्तव में ये कौन है, बोले कि अधिकारी व्यक्ति। अधिकारी व्यक्ति मतलब कौन ना, जिसका अंदर में उसी वस्तु का अनुभूति है, अनुभूति संपन्न व्यक्ति। अरे ज्ञान है क्या है ना, शास्त्र उत्थिति ज्ञान, मगर अनुभूति उत्थिति विज्ञान, और विज्ञान की संग अनुभूति होने से ही कोई ऐसा चीज को प्रकाशित कर सकते हैं, अन्यथा अन्य कोई उपाय नहीं। और आज श्रील माधवेंद्र परिवार की तिरुभाव तिथि है, तो अभी अभी हम श्रवण किए, श्रील माधवेंद्र परिपाद को ठाकुर जी ने भेजे, बोले कि ये वही भगवान है जिसमें गीता में बोले कि अरे ये जो सूर्यचंद्र जो ताप प्रदान करे किस कारण के लिए, बोले कि मत भयात,
मेरे भय से ही सूर्यचंद्र क्या कर रहे ना आतजात कर रहे, मेरे भय से अग्नि दाह की शक्ति प्रदान कर रहे, मेरे भय से जल निम्नगामी हो रहा है। तो भगवान की इतने सारी जो शक्ति है वही भगवान को सारे सामान्य रुद्र थोड़ा उनको ताप कर देगा, मिट के अंदर कुछ दिन गाड़ के रह गए इसलिए उनको ये उत्तप्त हो गए, उनके शरीर में अभी गर्मी हो रहा है इसी कारण के लिए भेजे जाओ चंदन लाने के लिए। बोले कि नहीं, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? बोले कि प्रगाढ़ प्रेम में रही स्वभाव आचार, निज विघ्न निज दुख विघ्नादिर ना करे विचार, यही गाढ़ प्रेम तारे लोको जाना आते गोपाल आज्ञा दिलो तारे चंदन आनीते। इसका मतलब ये है प्रेम जब गाढ़ से प्रगाढ़तम रूप धारण करता है तो उस समय खुद को कितना भी चाहे कष्ट क्यों ना हो तो उसमें कष्ट का पता नहीं चलता है। मगर माधवेंद्र पुरीपाद के अंदर भगवान के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम था, इतना प्रगाढ़ प्रेम था, मगर जागतिक जगत के लोग उसको नहीं जान पाते थे। मगर ठाकुर जी क्या कर ले, बोले कि मैं अगर नहीं जानाऊंगा तेहूँ जाने तेहूँ जहाँ जाना है कि भगवान वही जान सकता है, भगवान जी को जनाएंगे। तो भगवान अभी क्या किए, बोले कि इसके ये जो प्रेम है इसको साधारण लोग तो जान नहीं पाएंगे, तो ये कैसे पता चलेगा? बोले कुछ लीला कर रहा हूँ इसलिए क्या कहे भेजे, बोले जाओ चंदन लाओ। तो इसलिए माधवेंद्र प्रिपाद क्या किए चंदन आए। और माधवेंद्र प्रिपाद की चरित्र ये हंसने का चरित्र नहीं है, ये बड़ा अनुभूत का विषय है। मतलब एक भक्त के लिए कितना बाधा विघ्न उत्पन्न होता है। माधवेंद्र प्रिपाद इतने दुखी, बोले एक बार नहीं भगवान कई बार उनके पास में आए। और जैसे पहले बार हम श्रवण किए कि दूध लेके आए, बोले कि अरे ये जो स्थान है ये वृंदावन है, इसमें क्या ना सब लोग तो भिक्ष माधु करके खाते, मगर मैं स्वयं क्या किया हूँ, मैं जिम्मेदारी लिया हूँ, जो जो लोग नहीं खाएंगे मैं उनको शुद्ध खुद खिलाऊंगा, किंतु ये धाम में कोई उपवास नहीं रहते। तो जब एक गोपाल बालक के रूप में आए, ये माधवेंद्र पुरीपाद है, अजाचित वृत्ति है, इंद्रियों को जय कर चुके हैं, हर सर्वदा सर्वदा क्या कर रहे ना भगवान की लीला का स्मरण कर रहे, मगर बड़ा आश्चर्यचकित हुए। बोले किस कारण के लिए? बोले कि मेरा मन है कि साधारण लड़का के प्रति कि छोटा सा बालक के प्रति क्यों बार बार आकर्षित हो रहा है, मैं जब स्मरण करने के लिए जा रहा हूँ राधा कृष्ण की नित्य लीला, ये बच्चा मेरा सामने क्यों आ रहा है? क्योंकि वो साधारण बच्चा नहीं थे, कौन थे? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण थे, जो वही कृष्ण जिसको वो स्मरण करे, तो इसीलिए बच्चा की बालक ही आ रहे। तो बार बार सोचने लगे, फिर जब रात्रि ब्रह्म मुहूर्त जब तंद्र आया तो पता चला कि और कोई नहीं, बोले यार वो बालक और कोई नहीं मैं स्वयं हूँ। तो बड़ा जब उनका स्वप्न टूटा, अब अगर पढ़ोगे चैतन्य चैतामृत या सपार्षद जो गौर चरित्रावली है तो वो कितना विरह इतना उतना हो रहा है, तो भूमि में लोटपोट खा रहे, हरे मैं कितना दुर्भाग्य हूँ, स्वयं भगवान आए थे मैं उनको पहचान नहीं पाया। तो इस प्रकार माधवेंद्र प्रिपाद एक बार नहीं, फिर दोबारा जब खीरचूरा गोपीनाथ में पुजारी को स्वप्न दिए, बोले कि मेरे लिए मैं इतना तुच्छ भक्त हूँ, भगवान मेरे लिए खीर चोरी करके रख दिए। और बोले कि जहाँ लगी गोपीनाथ खीर कहले चोरी, अतएव नाम हैला खीर चोरा हरि। तो जगत जगत में चोर भी चाहते हैं मैं साधु बनने के लिए, और जागतिक जगत लोग प्रतिष्ठा, मगर भगवान का कैसा स्वभाव है? बोले भक्त के लिए खुद चोर के नाम को ग्रहण किए, पहले नाम था गोपीनाथ, उसके बाद हुआ खीर चोरा गोपीनाथ। ये केवल भक्त की महिमा को वर्णन करने के लिए। वहाँ भी खुद दर्शन नहीं दे, क्या किए पुजारी को बोले कि जाओ तो उनको खीर दो, वहाँ भी बड़ा दुखी हुए। और बस दुखी नहीं, वो खीर को लेके बहुत रोए, उसी पर मिट्टी के बर्तन को भी लेके लास्ट में खाने लग रहे, क्यों? बोले विरह। फिर जाके जो पुरी में पहुंचे, पुरी में भी पहले भगवान प्रतिष्ठा रो भाई पूरी जान बढ़ाया, प्रतिष्ठा रो कृष्ण प्रेम प्रतिष्ठा चाहे संगे गढ़ाया। तो प्रतिष्ठा स्वभाव ही जगत विदित, जेना वांछे तार है विधाता निर्मित। प्रतिष्ठा की स्वभाव तो इस जगत में ही चलता है, तो जो नहीं वांछा करते भी उनके पीछे भागेगा। तो वहां पूरी से पहले ही पता चल गया था कि माधवेंद्र प्रिपाद कोई आ रहे, जिसके लिए गोपीनाथ स्वयं खीर चोरी किए। तो चंदन कर्पूर इत्यादि मिल गया, बड़े कष्ट से उसको जब लेके आ रहे थे गोपीनाथ के पास, वही खीरचरा गोपीनाथ में जो पहुंचे, फिर दोबारा सब हल्ला मच गया कि रे वही जो साधु के लिए स्वयं गोपीनाथ खीर चोरी किए थे किए हैं वो आज आए हैं। तो वहां जब लेके जाने के लिए प्रवृत्त हो रहे थे तो महाप्रभु पुनः भी स्वप्न दिए, बोले कि माधवेंद्र मेरा और ये गोपीनाथ में कुछ अंतर नहीं है, तो जिस प्रकार की चंदन आप लाए हो वो मुझे ही प्रदान करो। तो इस प्रकार वो क्या किए, सारी सारी चंदन वहाँ लगाए जो श्रीनाथ जी को प्राप्त हो गया। तो माधवेंद्र चरित्र की ये जो चरित्र है मेरा स्मरण आ रहा है, हमारे मठ में एक दादू महाराज थे, ज़्यादा लिखे पढ़े नहीं थे, मगर जब भी उनके समय थोड़ा मिल जाता था वही माधवेंद्र प्रिपाद की चरित्र पढ़ते थे और फूट फूट के पूरा रो रहे थे। क्यों? बोले कि हाय रे माधवेंद्र प्रिपाद को तीन बार भगवान दर्शन दे दिए, इतने शुद्ध भक्त होने पर भी स्वरूप में आए नहीं सामने, बार बार आते मगर छलना करके चले जाते क्योंकि छलिया है। तो मेरा कब ऐसा होगा, वो भगवान के दर्शन मिला। तो इसी प्रकार इसे माधवेंद्र प्रिपाद लास्ट एक बात बोलते नित्यानंद प्रभु से ही खत्म करूँगा।
कल हम अद्वैताचार्य के वो शांतिपुर में गए थे, नाम है क्या शांतिपुर, बोले ऐसा नाम क्यों है, मैं मेरा मन में ऐसे सोचा हूँ क्योंकि महाप्रभु को जो बुला के इस जगत में शांति ही प्रदान किए, वही शांति प्रदान करने वाले जहाँ रहते वही शांतिपुर हो सकता है, अन्यथा और किसी स्थान के नाम शांतिपुर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भक्त अत्यव निष्काम अत्यव शांत, कृष्ण भक्ति में ही शांत है, अन्यथा अन्य किसी स्थान में नहीं है। तो अद्वैताचार्य काल हम उस स्थान में श्रवण कर रहे थे कि ये क्या किए ना, महाप्रभु से दंड प्राप्त करने के लिए जोगावशिष्ट नाम को ग्रंथ को पूरा व्याख्या किए, बोले कि ज्ञान ही श्रेष्ठ है भक्ति नहीं, इसलिए बोलते ये जो ज्ञान है ये क्या है ना चक्षु के सदृश, और ये जो भक्ति है ये शीशा के सदृश, अगर आँख नहीं है तो कोई शीशा में दर्शन कर सकता है, कर सकता है, अरे बोलो तो कुछ नहीं कर सकता है, तो इसलिए बोल से लोचनाभ्यांग विहीन से दर्पण दर्पण की कर सकती, जिसका आँख ही नहीं है उसका आईना शीशा क्या करेगा। तो ऐसे ऐसे जब वर्णन किए तो महाप्रभु गुस्सा करके नित्यानंद प्रभु को लेकर साथ में आ गए, गंगा पारी हुए, देखे बड़ा आसन में पीढ़े के ऊपर अभी अद्वैताचार्य बैठ के पूरा ज्ञान की व्याख्या कर रहे। तो महाप्रभु प्रश्न किए, बोलो बोलो ज्ञान बड़ा है ना भक्ति श्रेष्ठ है, तो ऐसे जो प्रश्न के लिए उनको तो गुस्सा दे लेना चाहते थे, इसलिए बोल दिए कि ज्ञान ही सदा सर्वदा श्रेष्ठ है, जार ना है ज्ञान तारा भक्ति तो क्या काम, जिसका ज्ञान नहीं भक्ति में क्या कार्य हो। जब महाप्रभु इतनी सुन लिए कि ज्ञान ही श्रेष्ठ है, बोले कि आमारे लयले तुम्हें भक्ति प्रचारिया एबे एबे प्रकाश ज्ञान भक्ति लुकाया, मुझे भक्ति प्रकाश करने के लिए लाए, इतना शक्ति सामर्थ्य तुम्हारा अंदर हो गया अभी ज्ञान को प्रकाश करो। अरे महाप्रभु तो इतने गुस्सा में हो गया, आरक्त नयन हो गया, हाथ पर कंपने लगा और खुद को संभाल नहीं पाए, अद्वैताचार्य जो पीढ़ा से उठाए और पिटाई शुरू कर दिए पूरा और धमाधम पिटाई, और नित्यानंद प्रभु बड़ा प्रसन्न हो रहे क्योंकि अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु दोनों का पड़ता नहीं कभी बीच में, बड़ा प्रसन्न हो रहे, हंसने लग रहे। मगर उधर उनके जो पत्नी थे सीता देवी वो तो बड़ा दुखी हो रहे, और हरदास ठाकुर भी वहाँ थे वे भी बड़े दुखी हो रहे, बोले कि बूढ़ा विप्र राखो राखो प्राण, कहार शिक्षा करो अत अपमान, कि बूढ़ा विप्र भी प्राण को रक्षा करो, मैं देखता हूँ कैसे तुम रक्षा पा जाओगे, हाँ किसका शिक्षा में मेरा इतना अपमान कर रहे हो, हाँ। तो जब इतना सब पिटाई हुआ तो अद्वैताचार्य बड़ा प्रसन्न, बोले प्रसन्न क्यों, बहुत दिन की जो संचित वांछा आज पूर्ण हो रहा है, क्या कारण, बोले महाप्रभु उनको गौरव दृष्टि से देख रहे थे, स्तव स्तुति इत्यादि करते थे, मगर आज वही महाप्रभु पिटाई कर रहे, तो बड़ा मुस्कुराने लगे, जो महाप्रभु थोड़ा गड़बड़ लगा, बोले कि दाल में कुछ काला है, ये हंस रहा है क्यों अभी इतना पिटाई खाने के बाद ही। तो अद्वैताचार्य बोले कि प्रभु कहाँ गया वो स्तुति, कहाँ गया वो वंदना, कहाँ गया वो गुरु ज्ञान, अभी तो पिटाई कर रहे हो। तो महाप्रभु तो स्थिर हो गए, बोले कि ऐसे क्यों बोले, बोले कि हाँ प्रभु जी मुझे क्या समझ रखे हो, मैं क्या दुर्भाषा हूँ, प्रसाद खाने के बाद बोलूँगा जाओ खीर अपने शरीर में लेपन करो, हाँ मुझे क्या सोच रखे हो, मैं भृगु ऋषि हूँ, जब जब आनंद शयन में सोओगे तो लात लगाऊंगा जाके आपके हृदय में, नहीं मोर नाम अद्वैत तुम्हारा शुद्ध दास, जन्मे 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 प्रभु तुम्हारे भजन मोर आस, ऐसे कुछ बोले कि प्रभु एक जन्म नहीं मैं जितने बार भी जन्म लूंगा तुम्हारा शुद्ध दास के रूप में जन्म लेता हूँ, ये गौरव बुद्धि और किसे करना मुझसे नहीं। तो इसीलिए महाप्रभु तो बड़ा पता चल गया अभी भूल क्या हूँ, तो फिर बड़ा लज्जित हुए, बोले कि अद्वैताचार्य तुम बड़ा ही श्रेष्ठ हो। तो इसके बाद जो लीला होता है इसमें नित्यानंद प्रभु का बड़ा ही महिमा प्रकाशित होते है, तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य हरदास ठाकुर तीनों जाके चारों जाके गंगा में स्नान करते हैं और सीता देवी क्या करते हैं बड़ा अच्छे से प्रसाद बनाते हैं। तो जो प्रसाद बनने के बाद चार तीन भगवान अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु एक साथ प्रसाद बैठ के प्रसाद पाते थे और हरदास ठाकुर बाहर प्रसाद पाते थे। तो नित्यानंद प्रभु क्या किए, जो प्रसाद खत्म होने जा रहा था एक छोटा सा बाल्य चपलता दिखा दिए, क्या वही प्रसाद को इधर उधर फेंकने लगे। तो जब इधर इधर फेंकने लगे तो अद्वैताचार्य तो गुस्सा कर लिए, बोले कि हमारे घर में बैठा है अभी नोटोंगी शुरू कर दिया तो अभी देता हूँ। तो अद्वैताचार्य बोल रहे कि यार कहाँ से ये मध्य की संग हुआ, हाँ बड़ा मैं पाप किया हूँ इस कारण ये अद्वैताचार्य जो नित्यानंद प्रभु का संग हुआ, अरे इसका तो जाति कुल को भी कोई विचार नहीं, खुद को सन्यासी बोल रहा है और शादी किया हुआ है, खुद को सन्यासी बोल रहा है गुरु का कोई ठिकाना नहीं है, क्या अवधूत की तरह हर समय घूमता रहता है, इसका क्या महिमा है, हाँ अभी बड़ा मैं पाप किया हूँ इसके लिए अद्वैताचार्य की ये जो नित्यानंद प्रभु का संग हुआ है। मगर देखो अद्वैताचार्य कौन है ना, महाविष्णु है, वो कभी भी गुरु तत्व के ऊपर ऐसे आक्षेप नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या किए शुद्धा सरस्वती ब्याज सूत्र के द्वारा उनका निंदा कर रहे। पहले क्या बताए, बोले कि मद्यप है, मद्यप मतलब जो शराब पीते है, तो शराब पीते है नित्यानंद प्रभु शराब पीते है, हाँ मगर कौन सा स्वरूप, बोलते हैं कि हरी रस मदिरा मदाति मत्तम,
कि ये शराब तो पीते बल्कि ऐसा तैसा शराब नहीं जो कि रात रात को पियो और सुबह तक तो उसका जो नशा छूट जाए, ये पीते हरी रस, हरी रस रूपी मदिरा को पान करते इसमें हर समय मर जाते। तो इसलिए देखो इतने सारे भक्त अभी गुरुदेव की चरण से होके वही हरिनाम को पान किए है, क्या ना कितना कष्ट सहन करना पड़ रहा है, इतना धूप में घूमना पड़ रहा है, और ये सारी सारी कहीं प्रसाद मिला कहीं विश्राम मिला या नहीं मिला, ये सारी सारी क्रिया कौन करते है? मध्यम तो करते है, मध्यम जब गिर जाते रास्ता में क्या बोलते है, ऐ मैं राजा हूँ, ओई मैं अभी क्या कर दूंगा, समझ में नहीं यार, अभी मैं SP हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, तो ये क्या ऐसे ही बोलते और उनको पता नहीं चलते वास्तव में कहाँ दुख में है कष्ट में हूँ। तो ऐसा ही ये नित्यानंद प्रभु हमारे पति कृपा किए, ऐसा मदिरा को हमें थोड़ा थोड़ा प्रदान किए, इसलिए मध्यप है वो। बोले कि ये खुद को सन्यासी कहते हैं किस कारण के लिए, बोले कि सन्यासी धर्म का उत्कृष्टता को प्रतिपादन करने के लिए ये सन्यासी कहते हैं। बोले कि इनका कोई गुरु नहीं है, अरे वास्तव में तो ये गुरु के आकर है, गुरु के जन्म स्थान है, अखंड गुरु तत्व, उनसे ही गुरु तत्व प्रकाशित हुए। जो जगत का गुरु है भाई उसका कौन गुरु बन सकता है, इसलिए उनका कोई गुरु नहीं है, और जाति कुल भी नहीं है। अरे न कर्म बंधन जन्म वैष्णवान से विद्य थे, जो वैष्णव का कोई जाति नहीं, जो वैष्णव की वैष्णव है, जो वैष्णव के पिता है उनका जाति कुल कहाँ से आएगा। तो इस प्रकार ये नित्यानंद प्रभु की महिमा है। और ये बोले कि ये क्या किए, सारी की सारी घर घर से जाके अन्न चावल इत्यादि खा लेता है बड़ा लूट के। बोले कि ये कौन है, स्वयं बलदेव प्रभु है, ब्रजलीला में ये किसी का जाति पाति नहीं देखे, क्या कि सबसे ग्रहण किए हैं, तो इसलिए ये बलदेव प्रभु के भाव में विवाहित होके नित्यानंद प्रभु सबके घर से जाके अन्न चावल इत्यादि खाते थे। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु और इसी प्रकार हमारा गुरु तत्व है। तो इसी वाणी के साथ मैं गुरुवर्ग तथा गुरु नित्यानंद प्रभु के चरण में मेरा प्रत्येक वृंदावन बिहारी लाल की। हम लोग बड़े देर से बैठे हुए हो, इसलिए अभी कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं, अभी दो मिनट खड़े होकर कीर्तन करेंगे, उसके बाद में प्रसाद लेकर के जाना। कल हमारी जो परिक्रमा है वो जन्हुदीप और मामगाछी है, हैं जहाँ पर भगीरथ ने जब गंगा को लेकर के आ रहे थे सामने शंख बजाते हुए और गंगा देवी पीछे 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 आ रही थी, वहाँ पर जन्हू मुनि बैठे हुए थे और उनका सारे जो आसन था और पात्र था सेवा की वो सबके सब बाहर करके ले गए। इतने में देखा ये कौन है, बोले तो साक्षात यमुना गंगा देवी। बोले गंगा देवी भगवान की चरणामृत, फिर उन्होंने पूरा के पूरा उन्होंने चरणामृत को पान कर लिया। जब भगीरथ थोड़ी दूर गए, बोले भाई गंगा कहाँ गई, गंगा कहाँ गई, देखा जन्हमुनि ने पूरा के पूरा उन्होंने गंगा की पान कर लिया। बोले प्रभु जी मैंने कितने कष्ट करके सगर महाराज के जो 10,000 बच्चे सबके सब कपिल मुनि के अभिशाप से सब सब समाप्त हो गए थे, उनको उद्धार करने के लिए मैं गंगा लाया हूँ, इसलिए आप कृपा करके कृपा करो। तब उन्होंने अपना जानू को, जानू समझते कि नहीं, जांघ को उन्होंने फाड़ दिए और उसी से ही ये गंगा निकली, इसलिए इनका पहला नाम था गंगा, फिर दूसरा नाम पड़ गया जाह्नवी। इसलिए कल हम वहाँ पर जाएंगे और जो दूसरा जगह जाएंगे जहाँ पर राम लक्ष्मण सीता वनवास में जब आए, एक दिन भगवान राम बैठ करके मुस्कुरा रहे थे, मैया सीता ने पूछा प्रभु क्यों मुस्कुरा रहे, बोले कोई बात नहीं, बोले नहीं बिना कारण से थोड़ी आप मुस्कुरा सकते हो, आप बताओ प्रभु मुस्कुरा क्यों रहे हो। बोले देखो सीते, मैं द्वापर युग में अभी तो मैं अयोध्या की राजा बन करके आया हूँ, लेकिन द्वापर युग में मैं कृष्ण बन करके कलि युग में मैं चैतन्य महाप्रभु रूप में आऊँगा। जब चैतन्य महाप्रभु का रूप में आएंगे उसी समय तुम बनोगे विष्णु प्रिया, और उसी समय में मैं तेरे को छोड़ करके 26 साल उम्र में मैं सन्यासी ग्रहण करूँगा। बोले प्रभु अगर सन्यासी ग्रहण करोगे फिर मेरे को फिर शादी क्यों करोगे, हैं शादी करके अपना पत्नी को छोड़ करके जाना तो फिर आप फिर शादी क्यों करोगे, किस लिए आप छोड़ करके मेरे को जाओगे। फिर उनने समझाए कैसे प्रेम की दो पहलू है, एक मिलन है और एक विरह है। कैसे मिलन में केवल सामने सामने मिलते हैं, लेकिन विरह में क्या होता है, बोले जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे, जहाँ नेत्र पड़ता है उधर ही उधर उनको भगवान की स्फूर्ति उसमें होता है। फिर उन्होंने बड़ी सुंदर रूप में बड़ी प्यारी प्यारी उन्होंने उनको कथा सुनाई। देखो रामलीला में भी सीता को त्याग दिए कि नहीं, कृष्ण लीला में राधा रानी को त्याग दिए कि नहीं,
और महाप्रभु की लीला में अपना पत्नी विष्णुप्रिया को त्याग दिया और ब्रजवासियों को त्याग दिया, उन्होंने अयोध्या को त्याग दिया और उन्होंने ये महाप्रभु नवद्वीप वासियों को त्याग दिया। इसलिए हर अवतार में देखोगे ठाकुर जी भक्तों को त्याग देकर और कहीं जाते हैं। कारण है त्याग देकर जब जाते हैं ऊपर से तो जाते हैं लेकिन हृदय से संपूर्ण रूप में उनको साथ में, विरह से उनको चिंतन से संपूर्ण रूप में उनको साथ में मिलते हैं। इसलिए भागवत में देखोगे जितने गोपी गीत, वेणु गीत, जुगल गीत, ये जितने सब सारे जो गीत देखोगे ना विरह की, वो विरह अवस्था में ही सारे गीत बनी है जब कृष्ण से अलग हुए। इसलिए तब उन्होंने बड़ी सुंदर विरह की बात सुनाएंगे। फिर कल हम लोग ये जितने सारे बात वहीं पर कल सुनेंगे। कल हमारी परिक्रमा की अंतिम दिन कल है। फिर कल शाम को फिर हम लोग यहाँ कथा कल शाम को नहीं करेंगे क्योंकि हमारे भक्ति वेदांत शिल तीर्थ महाराज वो हमारे सोसाइटी का प्रेसिडेंट थे वो चले गए हैं। कल उनकी संबंध में फिर नाट मंदिर में हम सबके सब बैठ करके वहीं पर उनकी कथाओं की इनकी महिमा को हम लोग वहीं पर बैठ करके सुनेंगे। ठीक है। और आप लोगों ने मुझे लगता है हमारे जो भक्त लोग आए आप लोग गुरुदेव हर समय एक बात कहा करते थे बोले देखो घर में जा कर के ऐसे बोलना नहीं, हमें रहने का कोई जगह नहीं मिला, खाने को जगह खाने के लिए ठीक से नहीं मिला, फिर दूसरे व्यक्ति नहीं आएंगे, फिर धूप में हमें चलना पड़ा, ये बात को नहीं बोलना। तुम इतने बढ़िया बोलना कितना सुंदर हमें घड़ी घर घर बनाए, ए कितना सचमुच से कितना बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिला, बड़े आराम से रहे। फिर क्या होगा भक्त लोग सुन करके भी आएंगे। अगर बोलोगे हम बहुत कष्ट मिला फिर भक्त लोग कोई नहीं आएंगे। इसलिए गुरुदेव कहा करते थे इसलिए घर में जा करके पंचमुह में ऐसे नवद्वीप धाम की महिमा गाना गाओगे जैसे तुम्हारे साथ में 10-10 व्यक्ति तुम्हारे साथ में नवद्वीप परिक्रमा में आए। इसलिए यहाँ पर कालिंदी दीदी है क्या? कहाँ है कालिंदी महारानी? हाँ देखो हमारे जो कालिंदी दीदी खड़ी हो जाओ। इसलिए इसने हमारे जो गुजर के हैं उन्होंने जो गुजर के जो है ना उनको पूरे 50-60 भक्तों को उन्होंने ले करके आई है। कष्ट तो हुआ है क्योंकि उनको अंदर में तो नए नए कुछ जो पहले पुराने भक्तों उनको तो पता है धाम की जो नए नए भक्त लोग होंगे लेकिन गंगा सागर का लोभ से तो आ गए लेकिन यहाँ आकर के जब तक हरि कथा नहीं सुने ना तब तक ये जगह की महिमा उनको पता नहीं चलता है। जब हरि कथा सुने और एक माता जी बोल रही थी बोले मेरे साथ में 5-6 भक्त लोग आए लेकिन उनका मन ही नहीं लग रहा है, यहाँ पर उनकी मन ही नहीं लग रहा है, हम कहाँ पर ले आए, जा रहे हैं सवेरे उठना उठ करके नींद भी पूरी नहीं होती है, सवेरे उठ करके चलो परिक्रमा में कहाँ पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। इसलिए उसी दिन संजय प्रभु बोल रहे थे ना पहले तो ऐसे लगता है लेकिन जब कोई एक बार आ जाए ना नवद्वीप परिक्रमा में जब दूसरी साल आता है कभी तो सोचते जाऊँगा नहीं लेकिन जब दूसरी चाल आ जाती है ना फिर खिलबिल लग जाती है कब नवद्वीप धाम में जाएंगे। इसलिए धाम की बड़ी महिमा इसी धाम की, जितने ब्रह्मा हैं ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव और जब जो जो व्यक्ति कृष्ण लीला में कृष्ण के चरण में अपराध की जैसे ब्रह्मा जी ने और श्री इंद्र जी ने ये सबके सब कहाँ पर जन्म हुए, सबके सब श्री नवद्वीप धाम में जन्म हुए। बोले क्यों? बोले कृष्ण लीला में कृष्ण को याद है ये व्यक्ति ऐसे ऐसे काम किया है लेकिन जब महाप्रभु का लीला में आएंगे ना अब महाप्रभु का तस्वीर देखना कैसे एकदम प्रेम में डूबते हुए झूमते हुए देखोगे एकदम बता रहे थे शराब जैसे पिए हुए कृष्ण प्रेम रस की शराब पी करके बतवाला हैं। इसलिए एक व्यक्ति क्या होता था भीख मांगता था साधारण लोगों को लेकिन इतने बढ़िया भीख नहीं मिला लेकिन एक शराबी के पास में गया ना एकदम गड्डी का गड्डी पकड़ से निकाल करके उसने दे दिया बोले भैया इनसे तो बढ़िया भिक्षा मिलता है। फिर साधारण व्यक्ति नहीं जहाँ शराब पिए ना उनको पास में जाकर भीख मांगता है। उसी तरह यहाँ पर जो भक्त लोग हैं शराब तो पिए हैं किस चीज़ की कृष्ण भक्ति रस की ये शराब पी करके रखे हैं। इसलिए आप लोग कोशिश करना हर बार जब आओगे साथ में कितने भक्तों को लेकर के आओगे? अरे बोलो हाँ अभी 10 भक्तों को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उनको नवद्वीप धाम की कथा सुनाना पड़ेगा है ना, उनकी धाम की क्या महिमा, हरि नाम की क्या महिमा,
किस लिए भक्ति करना चाहिए, क्या होगा, अभी से जाकर के प्रिपरेशन करना और मेरे को बोलना महाराज जी मेरे साथ में 10 लोग है, हम देखेंगे अगली बार कौन 10 लोगों को। और जो 10 लोगों को लाएगा ना, गुरुदेव कहते थे जो यहाँ पर लेकर के जो आएगा दूसरे व्यक्ति को, उनको जो सुकृति मिलेगी, जो लाने वालों को आधा सुकृति मिल जाएगी, लाने वालों को आधा सुकृति मिल जाएगी। और दूसरी बात है देखो, और एक चीज़ समझो, अच्छे तरह से दिमाग में बैठाओ, अगर तुम किसको भगवान की कथा नहीं सुनाओगे तुम्हारी भक्ति कभी बढ़ी नहीं सकती, बढ़ी नहीं से भक्ति बढ़ी नहीं सकती है। फिर भगवान की कथा नहीं सुनाओगे तो दुनिया की बेटा बेटी बहू छोरा छोरी उनकी बात करोगे हैं, लेकिन अगर भगवान की कथा सुनाओगे, धाम की महिमा सुनाओगे, क्या होगा, अपना तो लाभ है ही है, दूसरा का भी लाभ है, दूसरे को भी लाभ है। ठीक है, कौन व्यक्ति अगली बार 10-10 भक्तों को लाओगे, हाथ उठाओ सबके सब। अरे हाथ उठाओ तब तो कोशिश करोगे, हाथ को कुछ माता है हाथ नहीं उठा रहे, हाथ उठाओ सबके सब, नवद्वीप महापुरुष धाम में जोर से हाथ उठाओ सबके सब। हाँ, अगली बार बोलना महाराज जी ये 10 भक्तों को हमने साथ में लेकर के आए। ठीक है, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। हाँ, इस बार तो ट्रेन को बुकिंग करके, अगली बार फिर एरोप्लेन को बुकिंग करके लाएंगे। ठीक है, सबके सब कर खड़े हो जाओ, खड़े हो करके। हाँ, क्या है, हाँ कहाँ, कितना तारीख को, हाँ कितना, हरे कृष्णा, हमारे मोहन नगर में 21 अप्रैल से श्रीमद् भागवत कथा है मोहन नगर में। जो लोग मोहन नगर के आसपास के लोग हैं, आप लोग और गड़ी में जो भागवत कथा, गुरु भागवत गड़ी में जो भागवत कथा है 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, और उसमें 3 दिन गुरुदेव की संतति है, 18, 19 और 20। कहते ये 3 दिन ये हमारे गढ़ी गांव में गुरुदेव की कथा होगी, गुरुदेव का प्रसन्न निकलेगा और 13, 14, 15, 16, 17 ये 3 दिन तक भागवत कथा गढ़ी गांव में। ठीक है, हम लोग जो आसपास के जो भक्त वृंदा हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सबके से एक बार हाथ उठा कर कितने कर लो, बोले हरे कृष्णा
श्रीमन महाप्रभु की जय। श्री श्री गुरु वरांग नंदन को बंद क्यों कर दिया? जय श्री श्री गुरु वरांग नंदन हरि राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन विजय लीला प्रवेश भक्ति केशव गोस्वामी महाराज नारायण गोस्वामी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय सपरिकर गौर हरि की जय हरिनाम संकीर्तन की जय भक्तदेव तुलसी देव विजय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी विजय राधा रमन राधा श्याम सुंदर राधा गुलांद राधा मदर की जय आनंद गुटी गौरव भक्त वृंद की जय समागत गौरव भक्त वृंद की जय। आज के आनंद की नवद्वीप धाम परिक्रमा करी भक्त वृंद की जय पिताई गौर ब्रह्मानंद महाप्रसाद की हरे कृष्ण। यहाँ पर दो पैकेट है वो आधा आधा देना तभी हो सकता है आधा आधा दो ठीक है।